हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग कैसे हैं सभी दोस्त आई होप बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है यहाँ पे ठीक है तो यार हम लोग का एक आखिरी टॉपिक यहाँ पे बचा हुआ है हाइड्रोलॉजी के अंदर जिसका नाम है अपना फ्लड एंड फ्लड राउटिंग ठीक है तो इसको हम लोग बढ़िया से कवर कर रहे होंगे इस लेक्चर के अंदर तो सभी को गुड इवनिंग सर की तरफ से आई होप सभी लोग जुड़ गए हैं बताते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं गुड इवनिंग यार भाभी अमित सोनू सिद्धार्थ अशोक पुष्पक आर्य चलो भाई गुड इवनिंग ठीक है तो बढ़िया जबरदस्त तरीके से यहाँ पे क्लास होगी आज और फ्लड और फ्लड राउटिंग देखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ी तो सी चर्चा करते हैं इसके अंदर देखो यार हम लोग ने हाइड्रोग्राफ कर लिया है हाइड्रोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था तुम जानते ही हो उसको हम लोग ने पूरा अच्छे से कवर कर लिया ठीक है ठीके? एक बार जब बता देंगे कि ऑडियो ऑडियो अच्छे से क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है फिर हम लोग पढ़ते रहेंगे अगर पे तो क्या क्या टॉपिक आज की क्लास में कवर करने आए हम लोग आज की क्लास हम लोग कवर करने वाले हैं ये दो चैप्टर है मेनली है ना एक चैप्टर जो सिक्स था वो हाइड्रोग्राफ खत्म हो गया चैप्टर नंबर सेवन हमारा फ्लड है फ्लड के अंदर हमको दो चीज़ें देखनी है कि आखिर फ्लड वगैरह होता क्या है और बाकी उसमें आ, जैसे मान लो हमको नदी पर कोई पुल वगैरह या कुछ भी बनाना है तो हम लोग पीक डिस्चार्ज को कैसे पता लगाएंगे छह मेथड्स हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ पीक डिस्चार्ज हम लोग को देखना है ठीक है फिर फ्लड राउटिंग क्या होती है उसको समझेंगे है ना फ्लड राउटिंग का मतलब क्या होता है और दो टाइप की उसके अंदर क्या टेक्निक्स लगती हैं वो समझेंगे और फिर और चैनल आउटिंग देखेंगे चैनल आउटिंग से कुछ क्वेश्चन आते हैं मस्किंगम तुमने सुना होगा मस्किंगम मेथड तो वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ठीक है तो ये दो चैप्टर है ये अपना चैप्टर नंबर सेवेन है पहले इसको आएंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर एट है फिर इसको आएंगे ठीक है तो भाई चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले फ़्लड की ठीक है फ़्लड का मतलब अगर हमसे कोई पूछता तो क्या है हम बोलेंगे सर कोई एक ऐसा डिस्चार्ज या ऐसा फ्लो हमारी नदी में आ जाए जो उसके जो किनारे हैं जो उसके दायरे हैं उसको ओवरटॉप कर जाए या बैंक को ओवरटॉप कर जाए ठीक है और प्लेन्स में आ जाए पानी बगल में जो प्लेन्स है उसमें पानी आ जाए एक्सेसिव पानी फ्लो करने लगे जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कई सारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है प्रॉपर्टी को लाइफ को है ना तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं मेनली वे कह सकते हैं कि अन यूजली कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपका जो पानी का लेवल है पानी का जो स्टेज था वो काफी ज्यादा बढ़ गया जिससे पानी आपका प्लेन्स में आ गया है है ना तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लड ठीक है तो पे डेफिनेशन लिखी हुई है एनी फ्लो ज़रूरत से ज्यादा है एंड विच ओवर टॉप ने आर्टिफिशियल बैंक नेचुरल मतलब जो किनारे नदी ने काट के खुद बनाए हैं आर्टिफिशियल मतलब कभी कभी हम लोग भी कंस्ट्रक्शन करते हैं ठीक है थीके? तो उन किनारों को तट को अगर कोई नदी काट देती है और ऊपर पानी चला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लड ठीक है बहुत बेसिक सी बात है और हम लोग एज एन इंजीनियर हम लोग इंटरेस्टेड है कि अब नदी में सर बाढ़ तो आती रहती है सर फ्लड उसका लेवल तो कभी, -कभी बढ़ता है कभी कम होता है लेकिन सर हम जब भी कभी अपनी नदी के अंदर मान लीजिए कोई डैम बनाते हैं ब्रिज बनाते हैं वीयर कलवर्ड वाटर वे कुछ भी बनाते हैं सर कोई भी प्रकार का हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम इंटरेस्टेड हैं किस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं पता लगाने में कि यहाँ पे मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या सकता है मान लो तुम्ही में से किसी एक का नाम हो कौन डॉक्शन लेते हैं आज है संदीप का नाम लेते हैं ठीक है तो संदीप को मान लो ये डैम बनाना है तो संदीप क्या करेंगे ऑब्वियसली संदीप जो है इस नदी की स्टडी करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस नदी में मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना हो सकता है उस मैक्सिमम डिस्चार्ज के आधार पर ही क्या करेंगे हम लोग इस डैम की सेफ्टी को इंश्योर करेंगे तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग फ्लड पीक डिस्चार्ज ठीक है और वो हम कैसे करेंगे इसके सारे इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं वो हम लोग देखेंगे क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो हम इंटरेस्टेड हैं पीक डिस्चार्ज निकालने में ही ठीक है तो कई सारे मेथड्स हैं छह मेथड हैं मेनली ठीक है कुछ हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कुछ अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे किन किन प्रकार के सवाल बनेंगे बात करेंगे तो सबसे पहला मेथड जो है बहुत सिंपल है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं पास्ट फ्लड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं जैसे मान लो जैसे हम यहाँ पे लखनऊ में रह रहे हैं गोमती नदी है लो ठीक है अब हम जो कोई पुराना आदमी यहाँ रहता है तो उससे जाके हम पूछेंगे बताइए आपने अपने जीवन में ये पानी का स्तर सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं वो देखा था हम वहाँ पे लोकल इंक्वायरी करेंगे लोकल इंक्वायरी करेंगे पास्ट आ, मार्क्स को देखेंगे जैसे हमारी नदी रहती है तो उसमें कुछ पुल बना रहता है उसमें मार्क्स होते हैं ठीक है थीके? तो कब तक का हाइएस्ट लेवल आया मान लो डिपार्टमेंट से डेटा लेने की कोशिश करेंगे तो बस हम सिंपली पास्ट ब्लड से प्लास्ट ब्लड का इंडिकेशन बनने की कोशिश करेंगे और उस एरिया में जहाँ पे वो नदी है वहाँ पे लोकल इंक्वायरी करके पता लगाएंगे भाई पानी आपका मंदिर तक आ गया था या कहाँ तक आ चुका था मैक्सिमम ठीक है तो वो मैक्सिमम पता लगाने की कोशिश हम लोग करेंगे तो उन्होंने अपने जीवन में जो भी देखा होगा वो हम लोग को बताएंगे ठीक है तो सिंपली पास्ट रिकॉर्ड से हम आइडिया लगा सकते हैं हाँ भाई कि नदी में इतना डिस्चार्ज मैक्सिमम हो सकता है पहला तरीका दूसरा हमारा होता है एनवेलप कर्व्स ठीक है दूसरा हमारा होता है एनवेलप कर्व्स इसमें क्या करते हैं देखो एनवेलप कर्व्स तुमको चलो उसके बताते हैं अभी पहले यूएस मेथड देख लो यूएस मेथड तो मैं पढ़ रखा है यूनिट हाइड्रोग्राफ अगर हमारे पास है सर यूनिट हाइड्रोग्राफ सर हमारे पास है जो आपने कल बताया था कि नेशनल इंस्ट्यूट ऑफ हाइडोलॉजी में ऑलरेडी बना के रखा गया है तो सिंपली अगर हमारे पास यूनिट हाइड्रोग्राफ उसको हम लेके आएंगे एफेक्टिव इन्फॉल्टेप से इंटू करके बेस बेसो जोड़ के हम हमको फ्लड की पीक मिल जाएगी बस नदी में हाईस्ट डिस्चार्ज मिल जाएगा और क्या करना है बस ये है कि आपकी जो जब आप बहुत सीवियर मोस्ट क्राइटेरिया लेंगे तो ये एफेक्टिव इन्फॉल्टेप बहुत ज़्यादा होगी ठीक है तो पहला और तीसरा हो गया अब हम बात करते हैं एनवलप कर्व की एनवलप कर्व यहाँ पे देखो कुछ नहीं है इसमें इस मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ वॉटर शर्ट्स विल बी स्टडीड मतलब कई सारे कैचमेंट एरिया जो कि हमारे कैचमेंट एरिया जैसे ही होंगे जैसे मान लीजिए सर हम जिस कैचमेंट में हैं वहाँ पे हम आ, काम करना चाहते हैं ठीक है वहाँ पे हम डिस्चार्ज वाला तो करना चाहते हैं तो उसी के जैसे उसी के जैसे सब कुछ सेम माहौल हाइड्रोलॉजिकल और मेटोलॉजिकल कंडीशन सेम हो उसी टाइप के कैशमेंट एरिया की स्टडी करेंगे ठीक है तो लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ कैचमेंट एरियाज विल बी स्टडीड विच आर सिमिलर इन हाइड्रोलॉजिकल मीटोलॉजिकल एंड टोपोग्राफिकल कंडीशन हमारे कैचमेंट uh, जैसा ठीक है हमारे कैचमेंट जैसा होना चाहिए वो जिस कैचमेंट हम डिस्चार्ज में लगाना चाहते हैं उसी टाइप के हम कई सारे और कैचमटीरिया लेंगे और उनकी स्टडी करना शुरू करेंगे ठीक है स्टडी में हम पता लगाएंगे कि सर वहाँ का ग्राफ कैसा बनता है ठीक है तो बस यही है तो हमारे टाइप के कैचमेंट एरिया हम लेंगे अब मान लो कोई कैचमेंट एरिया हमारा मान लो एक उसका एरिया ए आया ठीक है तो उसके कर वहाँ पर हाइएस्ट पीक कितनी मिली चलिए पता कर गया फिर दूसरा एरिया मिला उसका पीक मिल गया दूसरा मिला उसका पीक मिल गया दूसरा मिला उसका पीक मिल गया तो हमने तीन चार टाइप तीन चार या दस बारह या पचास साठ उस तरह के कैचमेंट एरियाज़ को स्टडी करा हमको सर पीक डिस्चार्ज वहाँ के मिल गए फिर हमने पीक डिस्चार्ज और एरिया का ग्राफ बना दिया लेकिन ये सारे पॉइंट्स अलग कैचमेंट के हैं लेकिन कंडीशन हमारे कैचमेंट जैसी है अब हम क्या करेंगे इस ग्राफ को बनाने के बाद फ्रॉम दिस कर्व हम लोग क्या करेंगे हमारा मान लो जो कैचमेंट एरिया है उसका एरिया ए है तो बस ए से हम जाएंगे ऊपर और यहाँ पे पीक डिस्चार्ज को पता लगा लेंगे बस क्योंकि सर आपने यहाँ पे जो एनवलप कर बनाया है वो ऑलरेडी मैक्सिमम है उन सारे कैच मैंटेरिया में आपने मैक्सिमम कंडीशन को ध्यान में रख के यहाँ पे ग्राफ बनाया है है ना मैक्सिमम डिस्चार्ज ही आपने लिया हुआ है तो अब क्योंकि कंडीशन अगर सिमिलर है तो हमारा कैच मैटेरिया अगर ए है तो हम लोग क्या करेंगे पीक डिस्चार्ज करस्िस्पॉन्डिंग टू द एरिया ऑफ द बेसिन इन विच वी नीड टू फाइंड पीक डिस्चार्ज हम लोग पता लगा लेंगे सिंपल चीज़ ठीक है लेकिन ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अब एग्जाम में देखते हैं क्या आता है शुरू के तीन हो गए अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है तो अब सर ध्यान ज़्यादा देंगे ठीक है एम्पेरिकल फॉमूला नेशनल मैथड ये फ्रीकवेंसी एनालिसिस ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं तो हम लोग चलते हैं इम्पेरिकल फॉर्मला में तो ये एम्पेरिकल फॉमला है और अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारा काम किया इंडिया भर में बहुत सारे कैचमेंट एरिया बेसिन हैं ठीक है कैचमेंट एरियाज है तो अलग अलग बेसिन में अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग काम किया और उन्होंने देखा कि जो हमारा पीक डिस्चार्ज है वो फंक्शन है एरिया का सर जितना बड़ा एरिया होगा ठीक है जितना बड़ा एरिया होगा या कह सकते हैं छोटा होगा एरिया के हिसाब से आपका पीक डिस्चार्ज चेंज करेगा मतलब आप ये कह सकते हैं सर जो पीक डिस्चार्ज है वो फंक्शन है एरिया का ये बात कई साइंटिस्टों ने साबित भी करी अपनी स्टडी के हिसाब से उन्होंने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया कभी कोई कैश मंड लिया उसका डिस्चार्ज देखा कभी कोई कैश मिल लिया उसका डिस्चार्ज देखा लेकिन अल्टीमेटली फिर बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना उन्होंने कुछ फॉमले बनाए तो सबसे पहले थे डिकेंस फॉमला देख सकते हो अठारह में उन्होंने ये पी डिस्चार्ज फॉर्मला बनाया और ये फॉर्मला है सी डी ए पावर थी वा फोर ए क्या है एरिया किसका एरिया कैशम एरिया सिंपल ए फॉर कैशम एरिया ए फॉर एप्पल नहीं है यहाँ पर ठीक है लोकेशन सेम नहीं ले पाओगे बेटा अमित ने पूछा है क्वेश्चन लोकेशन सेम लेंगे क्या नहीं लोकेशन सेम नहीं ले सकते तो मैंने लोग करके बात कर रहा हूँ समझ रहे हैं लोकेशन सेम कैसे ले लोगे यार लोकेशन सेम नहीं लोकेशन और होगी लेकिन हाँ वहाँ की कंडीशन ऑलमोस्ट वैसी ही हूँ ठीक है तो इस तरह से करते हैं ठीक <coughs> चलिए सर तो ये हमारा हो गया डिकेंस वामला इसको याद करना है अब जैसे गेट में क्वेश्चन पता क्या आया था गेट में क्वेश्चन ये आया था कि डिकेंस फॉर्मला है बताओ ए की पावर क्या है यहाँ पे ए की पावर कितनी देख रहे हो ये पावर ही पूछ ली बताओ चार ऑप्शन दी बोला एक नंबर लेके आओ सीधे फॉर्म तो बस इसमें तो कुछ करना नहीं है सर आपका एरिया किलोमीटर स्क्वायर में रखेंगे और आप सी डी की वैल्यू रखिए सी डी को डिकेन्स कॉन्सटेंट बोलते हैं जो कि छः से तीस तक वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द रीजन क्योंकि अलग अलग रीजन में ये सी डी ही वेरी करेगा ठीक है अलग रीजन होगा तो कॉन्स्टेंट वैल्यू अलग होगी और आपको पी डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में आराम से मिल जाएगा लेकिन डिकन ने जो अपनी स्टडी करी थी डिकेन ने जो अपनी स्टडी करी और जहाँ से उन्होंने अपने क्या नाम है डेटा को आ, कह सकते हैं उठाया वो डेटा उन्होंने उठाया था कह सकते हैं नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री से ये यूपी और पूरा ऊपर का जो पंजाब का रीजन है यहाँ से उन्होंने काम किया था ठीक है तो डिकेंस फॉमला जल्दी हमारा सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट्स में लगता है क्योंकि जो जहाँ से उन्होंने स्टडी करी है वहीं पे फॉर्मला फिर अप्लाई करना भी चाहिए ठीक है जहाँ पे आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं जहाँ पे आप पता लगाना चाहते हैं फ्यूचर का कि डिस्चार्ज क्या हो सकता है मैक्सिमम वहीं के डेटा को आप एनालाइज भी तो करेंगे तो इन्होंने जहाँ पे काम किया वहीं के लिए बढ़िया आंसर देगा है ना फिर दूसरा था रीव्स अब इनका जो काम था ये साउथ में ज्यादा था जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो सेम उसी तरह का फॉमला है बस यहाँ डिकेंस कॉन्सटेंट था यहाँ रीव्स कॉन्सटेंट है जिसकी वैल्यू इस तरह से वेरी कर रही है साउथ के अलग अलग स्टेट में इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है तो क्यू पी इज इक्ल टू सी आर एक बार टू बाई थ्री या थ्री बाई फोर या टू बाई थ्री ये देखना है थ्री बाई फोर और टू बाय थ्री पावर याद रखनी भाई देखो इंपॉर्टेंट है तो इनका फॉमूला जो है सर तमिलनाडु में रीजन में और जो कर्नाटक है आंध्रा है साउथ का जो पोर्शन है वहाँ पर बढ़िया वैलिटी होता है ठीक है और वहाँ पर आपको बढ़िया आंसर देखने को मिलेगा इसका ठीक फिर यार हमारा है इंग्लिश फॉमूला उन्नीस में तो ये तो देखिए सर आपके अट्ठारह के हो गए फिर ये आपका उन्नीस में इंग्लिश फॉमला आया इन्होंने वेस्टर्न घाट में स्टडी करी वेस्टर्न घाट तुमने अगर जोग्राफी पढ़ी है तो तुमको पता है कि इंडिया वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है ठीक है तो वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में ये फॉर्मला बहुत सूटेबल है इंग्लिश फॉमूला और ये मेनली फैन शेप्ड बेसिन के लिए रहता है फैन शेप्ड बेसिन मतलब जो हमारे थोड़े से सर्कुलर हैं और ब्रॉड है फैन शेप्ड ठीक है तो इसमें तुम देख सकते हो पी डी सर फॉमला वन ट्वेंटी फोर ए अपर रूट ए प्लस टेन पॉइंट फोर अगर टेन पॉइंट फोर को तुम यहाँ से उड़ा देते हो तो ये रूट ए रूट ए कैंसिल तो लगभग लगभग इतना हो जाएगा ठीक है लगभग लगभग राउंड ऑफ करके इसको ये बनाया जाता है तो ये हमारा इंग्लिश फॉर्मला हो गया ठीक है तो ये तीनों फॉर्में हैं जो इंपेरिकल है जिनकी हेल्प से हम लोग वैसे इंपेरिकल फॉर्म तुमको पता और भी बहुत ज्यादा है और भी बहुत ज्यादा है।, है लेकिन अपने मतलब के यही तीन है वैसे शुरू के दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ में साउथ में वेस्टर्न घाट्स में ठीक है डिकेन्स रीव्स और कौन इंग्लिश चलिए सर इम्पेरिकल भी हो गया अब आता है चौथा पांचवा मेथड हमारा रैशनल मेथड रैशनल मैथड का मतलब क्या है रैशनल का मतलब ये होता है थोड़ा सा लॉजिकल रैशनल का मतलब ये थोड़ा सा लॉजिकल ये हमारा पाँचवा मेथड है तुम देख सकते हो इसमें क्या है ये हम तुमको ठीक है हाँ बिल्कुल सही फैन शेड रोल बॉम्बे स्टेट तुम एक चीज़ समझो पहले ये जो हमारा रैसल मेथड है इसमें तुमको समझा चुके हैं यहाँ पे तुम देख सकते हो ये कैचमेंट उन्होंने बनाया यहाँ पे दिख रहा है दिख रहा है कैचमेंट अब इस कैचमेंट में बताओ यहाँ पे मैक्सिमम रन ऑफ कब मिलेगा मतलब आपको ये बताइए सर इस कैचमेंट से मैक्सिमम रन ऑफ कब मिलेगा जब तुमको हमने कंडीशन समझाई थी एक दिन तुम लोग शायद भूल गए हो अभी हाइड्रो ऑफ परसों ही बताया था हाँ भाई तो हमने तुमको परसों ही एक कंडीशन समझाई थी कि अगर बार देखिए सबसे दूर का पानी जितना टाइम लगाएगा आउटलेट तक पहुंचने पांच घंटा कितने लोगों को एग्जाम्पल याद आ तो अगर बारिश पांच घंटे या उससे ज्यादा चलेगी तो होगा क्या ये पानी पहुंचेगा ये पानी पहुंचेगा और बारिश अभी चल रही है तो धीमे धीमे सारे पानी वहां पहुंचना शुरू कर देंगे और सारा पानी जुड़ जाएगा और जुड़ जाएगा तो आपको पीक डिस्चार्ज देखने मिलेगा मतलब जब हमारा पूरा इंटायर कैचमेंट कंट्रीब्यूट करने लगेगा ये कौनसेट मैंने समझाया था तुम्हें आई होप कि याद आ रहा हो सभी लोगों को बहुत डिटेल बताया था उस समय तो अगर हमारा बारिश का ड्यूरेशन टाइम ऑफ कंसनट्रेशन टाइम ऑफ कंसनेशन याद होगा सबसे दूर वाले पानी को जब आउटलेट तक तो पहुंचने जितना समय लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ कंसनट्रेशन ठीक है मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय सरफेस रन ऑफ टू रीच बेस इन आउटलेट ठीक है मैक्सिमम टाइम सबसे दूर वाले पानी को कितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम ऑफ कंसट्रेशन बोलते हैं ठीक है तो अगर बारिश हमारी टाइम ऑफ कंसनट्रेशन से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए चल रही है तो हम उसको बोल देंगे ठीक है बारिश अगर हमारी टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ज्यादा की चली तो हम बोलेंगे सर एक एक कोना आपका कैचमेंट का कंट्रीब्यूट करने लगेगा और सर एक एक कोने से अगर पानी पहुँचेगा वहाँ पर आउटलेट पर तो आप ऑब्वियसली आपको पीक रन ऑफ की कंडीशन मिल जाएगी क्योंकि इंटायर कैच मेटीरियल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग तो अगर हमको मैक्सिमम पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज चाहिए यहाँ से हम चाहते हैं इस पूरे कैचमेंट एरिया से हमको मैक्सिमम ड्रेनेज डिस्चार्ज मिले तो ऑब्वियस ही बात है हमको मैक्सिमम रेट ऑफ स्टॉम रन ऑफ निकालना पड़ेगा अब वो निकलता है कैसे है ठीक है ये कंडीशन है कैसे निकलेगा बहुत सिंपल है कुछ नहीं करना ये सर ने तुमको समझाया था कि पहले पोर्शन का पार्ट जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा तो ये बारिश चल रही है ठीक है टाइम ऑफ कंसनट्रेशन से ज़्यादा अगर बारिश का ड्यूरेशन है तो ग्राफ सर आपका जाके कॉन्सटेंट हो जाएगा यहाँ पे आपकी जो डिस्चार्ज है वो कॉन्सटेंट हो जाएगा अगर उसके बाद ही बारिश हो होगी क्योंकि सारा आउटलेट कंट्रीब्यूट कर चुका होगा तो फिर उसके बाद ग्राफ अपना कॉन्सटेंट हो जाएगा जैसे ही बारिश होगी आप देखेंगे धीमे धीमे ग्राफ आपका नीचे आ जाएगा अब इसमें कुछ करते नहीं है बहुत सिंपल है ये फॉमला लिखा है इसमें सर देखिए बारिश है आई ठीक है ये रेनफॉल है अब इस रेनफॉल को अगर हम सी से इंटू कर देंगे तो हमको रन ऑफ़ मिल जाएगा रेनफॉल को रन ऑफ क्वेश्चन से इंटू करते हैं रन ऑफ मिल जाता है आपने बताया था फिर इस रन ऑफ को जब तुम एरिया से इंटू कर दोगे तो तुमको देखो ये क्या है सेंटीमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड कह सकते हो ये क्या है मीटर स्क्वायर तो मीटर पर सेकेंड को जब तुम मीटर स्क्वायर से इंटू कर रहे हो तो तुमको मीटर के पर से डिस्चार्ज मिल जाएगा ठीक है तो बस सिंपली हमको ये फॉर्मला लगाना है सी आई ए तो हमने यहाँ पे सी आई ए फॉर्म लगा दिया लेकिन ये यूनिट यहाँ पे थर्टी सिक्स कहाँ से घुस गया सर थर्टी सिक्स इसलिए आ जाता है क्योंकि यार देखो एक बात समझ नहीं है उनको अगर तुम आई को सेंटीमीटर पर रखो एरिया को लोलिटर्स पर रखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से देखना तो अगर एरिया को इसमें रखें और आई को इसमें रखें तो इसलिए थर्टी सी लगाना पड़ता है अगर हमको डिस्चार्ज डायरेक्टली किस में चाहिए अगर डिस्चार्ज हमको डायरेक्टली मीटर के ऊपर सेकंड चाहिए लेकिन यार देखो हम लोग इतना रटने की जरूरत नहीं है तुम सिंपली सी आई ए याद रखो सी आई ए कर देंगे अगर सी आई ए का मतलब समझते हो क्या है सी आई ए का मतलब यहाँ पे ये कि अगर आपकी बारिश का ड्यूरेशन टाइम का सबसे ज़्यादा है तो आप का जो टोटल रन ऑफ होगा वो सी आई ए हो जाएगा क्योंकि आई इंटू ए टोटल वॉल्यूम हो गई रेनफॉल की और उसको जब आप रन ऑफ से इंटू कर देंगे तो आपको रन ऑफ मिल जाएगा ठीक है तो बस अगर आप यूनिट किलोमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर पर आवर को इन सबको आप मीटर और सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो इस थर्टी सिक्स की जरूरत ही नहीं है जैसे इस क्वेश्चन को देखो इस क्वेश्चन को देखो इस क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड पीक फ्लड डिस्चार्ज जैसे मान लो गेट में क्वेश्चन आ गया ठीक है फाइंड फ्लड पीक फ्लड डिस्चार्ज ड्यू टू इन ऑफ फिफ्टी ईयर्स ओके एक बारिश है जो पचास साल में एक बार होती है एरिया कैचमेंट का पाँच सौ हेक्टेयर दिया हुआ है और रेनफॉल इंटेंसिटी थ्री सेंटीमीटर पर आवर दी गई है अब मान लो हमको ये नहीं आता तो हम सीधे सीधे सी आई लगाया तो सी कितना है पॉइंट थ्री फाइव आई कितना है थ्री सेंटीमीटर पर आवर इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो हंड्रेड से डिवाइड करके ठीक है आर को अपने सेकेंड में कन्वर्ट कर लो छत्तीस सौ सेकेंड ठीक है तो मीटर पर सेकेंड में हो गया ये भी ठीक है तो इंटेंसिटी हमने कन्वर्ट कर दी मीटर पर सेकेंड में और एरिया पाँच सौ हेक्टेयर हैक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा क्योंकि एक एक्टर में मीटर बार फोर मीटर स्क्वायर होता तो सबको पता ही है इसको इंटू करा देखो मीटर के ऊपर सेकंड में आंसर निकल के आ गया सिंपल सी आई है बस हमको अगर फॉमूला में यूनिट कन्वर्ट करने आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी डायरेक्टली हम सी आई ए लगा के आंसर निकाल लेंगे ठीक है कभी कभी लेकिन ऐसा हो जाता है कि तुमको डायरेक्टली मान लो इस क्वेश्चन में ये फॉर्म लगाना है तुम क्या लिखेंगे वन बाय थर्टी सिक्स सी कितना है सर पॉइंट थ्री फाइव आई हम सेंटीमीटर पर आवर में रखेंगे आपने बोला है हमने रखा थ्री एरिया हमको किलोमीटर स्क्वायर में चाहिए देखो पाँच सौ एक्टर मतलब पाँच किलोमीटर स्क्वायर पाँच सौ एक्टर मतलब पाँच किलोमीटर स्क्वायर इसको सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा तब भी आएगा है ना तो सर ये जो योजू बता रहे हैं ये तब के लिए जरूरी है जब हमको यूनिट कन्वर्ट करने, करने का मन ना हो वरना सर सिंपल है सब कुछ ठीक है अच्छा हम जब इंटेंसिटी निकालते हैं यहाँ पे तो इंटेंसिटी हम निकालते हैं करस्पॉन्डिंग टू ड्यूरेशन इक्वल टू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ठीक है हम जो बारिश का ड्यूरेशन यहाँ पे रखते हैं वो टी सी 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 या उससे ज़्यादा रखते हैं ये तो तुमको बता ही चुके हैं पचास बार ठीक है तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई जो है उसमें लिखा नीचे टी सी और पी पी क्या है प्रॉबर्टी जिससे रिटर्न पीरियड आएगा तो कर... पर्टिकुलर रिटर्न पीरियड और पर्टिकुलर ड्यूरेशन का रेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी निकाल के यहाँ पे रखते हैं ठीक है तो इंपॉर्टेंट था समझ में आ गया होगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो रन ऑफ कोफिशेंट है वो सिर्फ ऐसे ना दे के पूरा एक चार्ट बना देंगे और बोलेंगे भाई इक्वलेंट निकालो तो यहाँ पे फॉर्म हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा फिर हमको यहाँ पे सी इक्वलेंट रखना पड़ेगा ठीक है फिर हमको यहाँ पे कभी कभी सी इक्वलेंट रखना पड़ सकता है अगर मान लीजिए आपका लैंड यूज थोड़ा सा वेरिएबल हो समझ समझे आसान चीज़ है तो ये हमारा रैशनल मेथड है ये फॉर्मला हमको याद रखना बस यही है सिर्फ सी आई है और कुछ नहीं कभी कभी जैसे ब्रिटिश मिनिस्ट्री हेल्थ फॉमला है भाई वहाँ पे पी एच डी डिपार्टमेंट है जो सैनिटरी डिपार्टमेंट होता है ना हर जगह तो यूरोप में उन्होंने फॉर्मला निकाला आई का ठीक है एम्पेरिकल फॉमला है अब जैसे यहाँ पे सेवेंटी सिक्स पॉइंट टी प्लस नहीं है बारिश का ड्यूरेशन रख दो बारिश का ड्यूरेशन यहाँ पे मिनट में रखो तो हमको एनडेसी मिल जाएगी अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो बारिश इंडेसी नो मिनट है तो नौ बीस से कम है तो ये फॉर्म लगेगा अगर नौ कोई ऐसा ड्यूरेशन लेते जो बीस से ज़्यादा है तो ये फॉर्म लगता है अब जैसे नौ है तो यहाँ पे नौ रख तो बीस से कम है ना नौ तो हमारा बीस से कम है तो ये फॉर्म लगेगा सेवेंटी सिक्स अपन नौ प्लस टेन करा सेवेंटी सिक्स वन नाइन प्लस टेन करा तो कितना आ गया सवेंटी सिक्स नाइनटीन फोर सेंटी पी पर इसका मतलब हमारी जो इंटेंसिटी है यहाँ पे बारिश की वो आ जाएगी फोर सेंटीमीटर पी पर और इसको हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है तो इंटेंसिटी निकालने के और भी बहुत सारे फॉर्म लेकिन हमें तुम्हें एक्जाम्पल बताया क्योंकि एस एस सी जेई में एक बार आया हुआ था तो इसलिए यहाँ पे हमारे नोट्स में है ठीक है तो ब्रिटिश इन हेल्थ फॉर्मला के हिसाब से वो हो गया फिर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन निकालने के फॉर्म एक किरपिज भाई साहब जिन्होंने उन्नीस सौ उन्नीस टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का फॉर्म लिया क्योंकि सर में टाइम ऑफ कंसट्रेशन आना चाहिए अब हम चलिए बारिश का ड्यूरेशन कुछ भी है मान लीजिए बारिश का ड्यूरेशन कुछ भी आप सही कह रहे हैं सर बारिश का ड्यूरेशन इतना होना चाहिए और उस ड्यूरेशन निकालनी है हमें बारिश का जो इंटेंसिटी है वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन निकाल लिया ना सर अब ड्यूरेशन टाइम ऑफ कंसटेशन कर लेकिन टाइम ऑफ कंट्रेशन पता ही नहीं है तो टाइम ऑफ कंसटेशन कैसे निकलेगा डी तो चलिए लग देंगे रखते हैं उससे ज्यादा तब आई निकले लेकिन टाइम ऑफ कंसट्रेशन कैसे निकलेगा उसके लिए एक कृपित साइंटिस्ट थे उन्होंने एक विजन दी बहुत बढ़िया और इक्वेशन बहुत आसान है टाइम होगा या मिनट्स में आएगा जीरो पॉइंट जीरो उन्नीस सैंतालीस ये नंबर ऐसा है जो तुम सबको याद होगा क्योंकि देश आज़ाद हुआ था है ना याद है एल की पावर पॉइंट सेवन सेवन एस की पावर माइनस पॉइंट थ्री एट फाइव एल क्या है मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैवल ऑफ वाटर जैसे हमारा कैचमेंट एरिया है सबसे दूर वाला पानी को जितना डिस्टेंस चलना पड़ा टोटल वो हमारा एल हो जाएगा मीटर में रखेंगे यहाँ पे ठीक है एस क्या है स्लोप है स्लोप क्या होता है डेल्टा एच डल्टाज अब जैसे पानी आपका सबसे दूर वाले पॉइंट से आउटलेट तक आ रहा है ये आउटलेट है हमारा तो भाई ऑब्वियसली वहाँ से नीचे आ रहा तो हाइट कम हो रही होगी ठीक तो है तो डिफरेंस इन लेवल अपॉन दिस लेंथ अपॉन कितना चल के आया है तो डेल्टा एच अपॉन एल कर दोगे तो हमको मिल जाएगी स्लोप डेल्टा एच का मतलब हो गया कि आ, सबसे फारदेस्ट और आउटलेट वाले पॉइंट में क्या डिफरेंस इन एलिवेशन है ठीक है मोस्ट रिमोट पॉइंट सबसे दूर वाला पॉइंट एंड बेस बेसिन आउटलेट उनके बीच में कितना वो है ठीक है अगर तुम इसी फॉर्मूले को थोड़ा कन्वर्ट कर दो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एस की जगह मान लेते हैं यहाँ पे एस की जगह एच वाई एल कर दें ठीक है थीके? और ये मिनट की जगह हमें घंटे में चाहिए मान लो तो हम थोड़ा सा अगर इसमें रखते हैं इसको एच वाई एल और एस हटा दें यहाँ से एच वाई एल रख दें तो तुम तो 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 देखोगे पूरे फॉर्मूले में एच वाई एल हो जाएगा बस बाकी सब हट जाएगा यहाँ पे एल को किलोमीटर रखोगे एच को मीटर में रखोगे मतलब यही जो डिफरेंस है एच को मीटर में रखेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे घंटे में आ जाएगा ऑटोमेटिक ठीक है तो ये फिलहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको तुम स्किप कर सकते हो लेकिन हाँ कृपय इक्वेशन तुम्हें थोड़ी सी पता रहना चाहिए जिससे आंसर मिनट्स में मिल जाएगा ठीक है ये भी वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्जन जैसे एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम पूछा गया था यहाँ पर उन्होंने एल दे दिया था कि भैया सबसे ऊपर वाला पॉइंट और इतना दूर है ठीक है हाइट में डिफरेंस यहाँ पे फारदेस्ट पॉइंट और आउटलर्ट में दस मीटर की है तो जब एल और एस दे रहे हैं तो एल और एस दे रहे हैं स्लो की क्या तो पूछा गया टाइम कंसरेशन घंटे पूछा है तो यार घंटे पूछा तो ये फॉर्म लगाओ मिनट पूछे तो वो फॉर्म लगाओ तो हमने ये लगा दिया पॉइंट एटी फाइव पॉइंट एटी फाइव एल क्यू बाई ये तो बस एल रखा हमने किलोमीटर में, में एच रखा मीटर में सॉल्व किया लगभग एक घंटा आंसर आ गया ठीक है तो ये सब कुछ इंपेरिकल ज़्यादा जरूरी नहीं है इसलिए हम इसको इतना टाइम नहीं दे रहे हैं ठीक है बस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आई निकालने के कई तरीके हैं ठीक है आई आप कभी कभी ब्रिटिश मिनिस्ट्री एल निकाल सकते हैं या कभी कभी टाइम ऑफ कंसेंट्रेशन निकालने का ड्यूरेशन यहाँ रख के फिर आई निकाल सकते हैं ठीक है एरिया तो ज़्यादा कुछ होना नहीं है इक्वेंट वाला भी देख लो एक पार्ट अब मान लीजिए सर कोई क्वेश्चन आया जैसे ये क्वेश्चन है ठीक है अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ध्यान से थोड़ा ध्यान देना ठीक है आधा का समझ में आ रहा होगा सबको कमेंट देख लें जरा हाँ इसमें थोड़ा सा फुल ऑफ फॉर्मूलाज है सर यहाँ एल स्ट्रेट होगा या इनक्लाइंड वाला एल जो है स्ट्रेट होगा बेटा ठीक है एनआरसी फार्मूला है एनवायरमेंटल का नहीं एनआरसी फार्मूला कहीं और लगता है एनआरसी फॉर्मला ट्रिकलिंग फिल्टर में लगता था ट्रिकलिंग फिल्टर की जो एफिशिएंसी आती है वो एनआरसी फॉर्मूला है और इन्वायरमेंट ब्रिटिश वाला भी फॉमुला है क्योंकि इन्वायरमेंट जो सीवर चलता है ना में ब्रिटिश हेल्थ मिनिस्ट्री का मतलब क्या देखो हेल्थ मिनिस्ट्री का मतलब होता है कि सीवर ला, आ, सीवर लाइन को लेआउट करना तो जो सीवर वाला चैप्टर वहाँ पे है वो ठीक है चलो डाउट भी होगा एक क्वेश्चन देखो सर तुम बहुत कुछ समझ में आएगा ठीक है अब जैसे यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे इन्होंने सी देखा है सी अलग अलग दिया जैसे एरिया दिया है रन ऑफ क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे तुम इक्विलेंट तो निकाली लोगे है ना इतना तो मान के चले इक्वलेंट तुम तो निकालना आता है इसमें क्वेश्चन तुम्हें वो क्या नाम है अभ्यास वैश्वन कराया भी था तुम्हारा ये एरिया दिया है सारे रन ऑफ क्वेश्चन दिए तो सीधे मट्टीप्लाई करके अपना रन ऑफ क्वेश्चन निकाल दिया तो देखो हमको सर तीन चीज़ें चाहिए सी आई ए ठीक है तो पहला काम हमने सी आई ए में सी निकाल दिया अब बारी आती है आई की एरिया देखो दिया हुआ है एरिया यहाँ पे दिया है सीआईए करना है बस सर है ना सीआईए करना है तो एरिया वापस अब बचा आई आई के लिए इन्होंने टेबल दिया इन्होंने बोला है भैया ऐसा है जब बारिश पाँच मिनट की होगी तो डेप्थ ये है जब बारिश दस मिनट की होगी तो डेप्थ ये है ठीक है अलग अलग ड्यूरेशन की अगर बारिश होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ होगी रेनफॉल की वो यहाँ पर दी गई है लेकिन हम अब कौन सा ड्यूरेशन लें यार हम कौन सा ड्यूरेशन लेंगे हम सर वो ड्यूरेशन लेंगे जब ड्यूरेशन हम बारिश का वो ड्यूरेशन लेंगे जब हमारा टाइम ऑफ कंसनेशन बराबर बारिश हो ड्यूरेशन को टाइम ऑफ कंसन चाहिए तो हम हम यहाँ पे टाइम ऑफ कंसेशन निकालेंगे कृपि फोन का यूज करके जीरो पॉइंट जीरो उन्नीस सैतालीस एल पावर ये एस yes पावर ये सब दिया हुआ है लेंथ कितनी दी गई देखो लिखा हुआ है साढ़े नौ सौ मीटर मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रेल वाटर कितना साढ़े नौ सौ हमने यहाँ मीटर में रख दिया साढ़े नौ सौ स्लोप कितनी दी गई देखो स्लोप डायरेक्टली दी है पॉइंट जीरो जीरो सिक्स ठीक है स्लोप कितनी दी गई पॉइंट जीरो जीरो सिक्स आई होप ये बात समझ में आ गई होगी ठीक है स्लोप दीजिए रखा उठा के रख लो सॉल्व कर लो थोड़ा सा थोड़ा सॉल्व भी कर लो दिमाग लगाओ हल्का सा देखो कितनी आ रही स्लो वो सॉरी टाइम ऑफ कंसंट्रेशन देखो किरपिच फॉर्मूला में जब तुम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन रखोगे तो आंसर मिनट में आएगा ये समझ लो पहले ठीक है क्या कह रहे हैं टाइम ऑफ कंसट्रेशन हमारा मिनट्स में निकल के आ गया है ना सत्ताईस पॉइंट चार कैल चला लो थोड़ा सा ताकि फॉमला थोड़ा दिमाग बैठ जाए नहीं ऐसे बढ़ेंगे तो फॉमला यादा नहीं होगा तुम्हें ठीक है ठीक <coughs> है सर कौन सा गया यहाँ पे तो सत्ताईस पॉइंट चार आया तो फिर हम इस टेबल के पास चलेंगे और सत्ताईस पॉइंट चार के सामने देखिए बीस जब ड्यूरेशन था तो हमारा बीस मिनट के सामने चालीस डेप्थ ऑफ रेनफॉल थी जब तीस था तो पचास थी यहाँ भी दस का गैप यहाँ भी दस का गैप तो सत्ताईस पॉइंट चार जब मिनट बारिश होगी तो आपका डेप्थ देखो यहाँ सात पॉइंट चार जोड़ दो तो, यहाँ भी सात पॉइंट चार जोड़ दो तो, क्यों क्योंकि इधर भी गैप दस का है दस का गैप है तो फोर्टी सेवन पॉइंट फोर हमारी डेप्थ हो गई तो अगर सर हमारी ओ, क्या नाम है डेप्थ सत्ताईस पॉइंट चार मिनट में अगर आपकी जो डेप्थ गिरी है पानी की फोर्टी सेवन पॉइंट फोर एम एम ए तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे डेप्थ डिवाइड बाई टाइम नहीं कर देंगे डेप्थ को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको इंटेंसिटी नहीं मिल जाएगी बताओ बिल्कुल मिल जाएगी यहाँ देखो अगर हमको इंटेंसिटी चाहिए तो डेप्थ को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया ठीक है फोटी सेवन पॉइंट फोर और मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लो तो मिनट uh, को आवर में कन्वर्ट कर लो एम तो एम पर आवर में तुम्हारा इंटेंसिटी आ गई एम एम पर आवर की जगह काम करते हैं हम इसको सेंटीमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं टेन से डिवाइड करके क्योंकि सर हम यहाँ पे थर्टी सिक्स यूज़ कर रहे हैं वन तुम कन्वर्ट कर लोगे तो वन बाई थर्टी सिक्स सी किलोटर निकाला था आई अभी निकाला हमने टेन पॉइंट थ्री एट सेंटीमीटर पर आवर में एरिया सर हमको किलोमीटर स्कोर रखना होता है साढ़े आठ सौ हेक्टेर ए दिया है नहीं पिचासी था सॉरी पिचासी हेक्टेयर एरिया दिया था इसको हमें किलोमीटर स्क्वायर में करना है तो हंड्रेड डिवाइड करेंगे तो पॉइंट फाइव एट फाइव किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा रख देंगे हमको डिस्चार्ज मिल जाएगा सिंपल है तो बस सी लगाया क्या लगाया सी खत्म और कुछ नहीं एक और चीज़ कि ये जो हमारा रैशनल फॉमूला है ये छोटे कैचमेंट के लिए बढ़िया आंसर देता है ठीक है छोटे पचास हेक्टेयर सौ हेक्टेयर बस इतना ज़्यादा बड़े के लिए नहीं देगा ठीक है तो ये हमारा क्या पढ़ लिया हमने रैशनल मेथड बहुत सिंपल है इट लिखा भी हुआ देखो इट इज़ सूटेल फॉर कैशम एरिया लेस देन फिफ्टी किलोमीटर स्क्वायर तो ऐसे कैशमैन एरिया जो थोड़े छोटे हैं उनके लिए सर ये बढ़िया आंसर देगा ठीक है बड़े के नहीं क्योंकि छोटे में ये तुम्हारा सूटेबल रहता है बारिश गिरी और सारा पानी एड होकर अल्टीमेटली ऑल्टर पहुंचा और आपको डिस्चार्ज देखने को मिला ठीक है ये रैशनल मेथड हो गया और बढ़ते हैं आगे हम लोग अब अब अगला आता है हम लोग का लास्ट मेथड जिसका नाम है तो आई होप कि ये एग्जाम्पल्स तुमको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि सी कैसे निकलेगा टाइम ऑफ कंसट्रेशन उसने इंटेंसिटी कैसे निकाली ठीक है टाइम ऑफ कंसट्रेशन कैसे इंटेंसिटी निकाली देखो शर्मन का फॉर्मला वापस नहीं था तो हमने शर्मन के फॉमले से ये टेबल निकाल ली ठीक है किसी एरिया का सर ये जो डेप्थ गिवन होता है ये नहीं नहीं क्यूलेटिव नहीं है क्यूलेटिव नहीं है अलग अलग है अगर साठ मिनट की बारिश होगी तो उसमें पानी लगभग देखो डेप्थ और ड्यूरेशन कर तुमको याद है कि नहीं डेप्थ और ड्यूरेशन प्रोपोर्शनल थी कि नहीं बताओ तुम डेप्थ और ड्यूरेशन प्रोपोर्शनल थी डेप्थ बढ़ेगी मतलब ड्यूरेसन बढ़ेगा तो डेथ बढ़ेगी ठीक है बस ये वो अलग कर्व है ये यहाँ पे क्यूमुलेटिव नहीं दिया गया है ठीक तो इसके साथ हम सी वाला कॉन्सेप्ट समझ गए सर एकदम आराम से अब आता है लास्ट मेथड जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ध्यान सुनना यही सबसे ज़रूरी है यहाँ से जो मोस्टली क्वेश्चन इस चैप्टर्स के अंदर से आए हैं तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आए हैं जैसे गंबल मेथड वगैरह है तो वो हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस बहुत आसान है ठीक है थोड़ा बहुत तुम पढ़ भी चुके हो क्योंकि रिस्क लाइविलिटी ऐसा तुमने ऑलरेडी जान रखा है तो कुछ नहीं करते हैं बहुत सिंपल सा है अब यार तुम नदी के बारे में स्टडी करने जा रहे हो खुद सोचो तुम नदी की स्टडी करने जा रहे हो तुम्हें वहाँ का डिस्चार्ज पता लगाना है कि भाई मैक्सिमम डिस्चार्ज वहाँ पे क्या होगा तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे नदी को स्टडी करेंगे नदी का पास्ट रिकॉर्ड्स समझने की कोशिश करेंगे नदी के फ्लो रिकॉर्ड्स देखेंगे पिछले पचास साल सौ साल में इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना ठीक है और उससे हम फिर प्रेडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में क्या डिस्चार्ज होगा एक लाइन में अगर हम तुमको मैथड समझाएं इसमें कुछ नहीं करना हमें पास्ट डेटा के नदी के पचास साल सौ साल दो साल जो भी डेटा हमारे पास है उसको समझेंगे और उस डेटा के आधार पे हम भविष्य का प्रिडिक्शन करेंगे कैसे करते हैं उसके लिए कई सारे लोगों ने बहुत सारे दिमाग लगाया जैसे एक साइंटिस्ट बोल रोटे चाऊ चाऊ बहुत एक फेमस कह सकते हैं हाइड्रोलॉजिस्ट हैं सी एच ओ डब्ल्यू फिर तुम्हारे गम्बे मेथड है फिर लॉग थ्री पी टाइप कर बनता है तो वो बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन गम्बल मेथड अपने इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही क्वेश्चन जनली गेटवेट में पूछा जाता है ठीक है तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं पुराने डेटा को ताकि भविष्य में क्या होने वाला है भविष्य में क्या डिस्चार्ज आने वाला है उसको हम प्रेट कर सकें और भविष्य में जो डिस्चार्ज आने वाला है या कोई भी फ्लड आने वाला है उसकी कितनी प्रॉबलिटी होगी या उससे ज़्यादा होने की और उसका रिटर्न पीरियड यही अल्टीमेटली पता लगाना है कि भाई फ्यूचर में कौन सा डिस्चार्ज आ सकता है और उसके होने की क्या संभावना है कितने साल में वो लौटता है यही पता लगाना है तो सबसे पहले काम करते हैं पहले डेटा इकट्ठा करते हैं अब डेटा इकट्ठा कैसे होगा दो डेटा हो सकते हैं या तो एनुअल सीरीज़ या पार्शियल सीरीज एनुअल सीरीज़ का मतलब होता है कि अपनी नदी से जाओ बात बात करो भाई नदी ये बताओ कि हर साल तुम्हारे साथ क्या चल रहा है भाई मान लो दो में तुम्हारा हाइएस्ट डिस्चार्ज क्या बताओ हर साल तुम्हारा हाइएस्ट डिस्चार्ज हो जैसे मान लो ये नदी का ग्राफ हाइड्रोग्राफ है तो इसमें तुम देख सकते हो तो डिस्चार्ज और टाइम का वेरिएशन है नदी में कभी पानी बढ़ता है कभी कम हो जाता है कभी बढ़ता है कम हो जाता है चेंज होता रहता तो है और ऑटोमेटिक्स भी बात है ना नदी में वेरिएशन तो होता ही रहता है भाई मानसून आएगा डिस्चार्ज बढ़ जाएगा तो पूरे एक साल में देखना है यहाँ पे पूरे एक साल में हाईएस्ट कहाँ है सर पूरे एक साल में हाईस्ट ये देखो रेड डॉट दिख रही है हाइएस्ट हर साल का हाइएस्ट लो हर साल का हाईएस्ट डिस्चार्ज लो इस साल में ये हाईएस्ट इस साल में तो इस तरह से हाईएस्ट हाईएस्ट हर साल का हाईएस्ट तो हर साल का हाईएस्ट उठा उठा के रखते रहोगे और एक टेबल बना दो भाई दो हज़ार बीस में ये हुआ दो हज़ार उन्नीस में ये हुआ ऐसे पिछले पचास साल सौ साल दो सौ साल जितना बड़ा डेटा है इकट्ठा कर लो तो इसको हम लोग बोलते हैं एनुअल सीरीज़ ठीक है टाइम सीरीज़ में अगर हम टाइम सीरीज की बात करें तो टाइम सीरीज दो टाइप की होती है एक होती है एनुअल एक होती है पार्शियल एनुअल समझ गया सर साल का मैक्सिमम डिस्चार्ज आप लेके टेबल बना दीजिए अब पार्शियल में क्या होता है सर ठीक है पार्शियल में क्या होता है पार्शियल में क्या है जो भी फ्लड हैं छोटे मोटे भी आए हुए हैं साल में दो चार बार भी आए जैसे हर एक पीक लिखी है ये एक पीक आई थी ये एक पीक आई थी तो साल भर में जितनी पीक आ रही हैं सारी की सारी ये जैसे ब्लू डॉट देख रहे हो ये सारा लिख लेंगे क्योंकि सर जो फ्लड जल्दी जल्दी होते हैं जो डिस्चार्ज जल्दी जल्दी लौट के आ रहे हैं अगर हम उन सब में इंटरेस्टेड हैं तो हमको पार्शियल सीरीज लेनी पड़ेगी लेकिन सर अगर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे डिस्चार्ज जो बड़े समय में लौट के आते हैं अगर हम उसमें इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग सिर्फ साल साल का मैक्सिमम डिस्चार्ज लेंगे ठीक है वैल्यूज ऑफ एनुअल मैक्सिमम फ्लड फॉर अ गिवन बेसिन या कैशम एरिया ठीक है को हम लोग लेते हैं फॉर लार्ज नंबर ऑफ सक्सेस जैसे सौ साल पचास साल दो साल डेटा इकट्ठा करते हैं ठीक है चलिए सर डेटा इकट्ठा हो गया कोई बड़ी चीज नहीं है हाँ बेटा हाँ सफिशियंट है एकदम फॉलो कर सकते हो ठीक है आराम से सफिशियंट है फॉलो कर सकते हैं ठीक तो बात समझ गए तो एक जनरल इक्वेशन है हाइड्रोलॉजिक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की जनरल इक्वेशन है कि अब डेटा तो पास आ गया यस yes, बोलेंगे हाँ बस ये डेटा तैयार है अगर हम बड़े फ्लड में इंटरेस्टेड हैं जो कि बहुत लंबे लंबे समय लौट रहे हैं तो हम एनुअल सीरीज इकट्ठी कर लेंगे छोटे छोटे फ्लड में इंटरेस्टेड हैं जो हर छः महीने में चार महीने में बारह महीने में लौट रहे हैं तो हम पार्सल सीरीज तैयार कर लेंगे डेटा जब हमारे पास आता है बहुत सारा डेटा तो उसका मीन निकालो थे सर मेन निकाल लो कि मीन। अरे सारे डिचार्ज प्लस करो डिवाइड एन कर दो ठीक है ठीक है तो ये तुम्हारा देखो मीन है ये क्या है मीन दूसरा होता है सिगमा उस डेटा का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे जैसे तुमने नंबर ऑफ ऑप्टिमल लेंगविज पढ़ा था सिग्मा निकाला था निकाला था वैसे सिग्मा यहाँ भी जाएगा मतलब डेटा का मीन और सेंडविशन तो निकाल लेते हैं हर कोई ये मान के चल चलने क्लास नाइन का बेसिक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स है ठीक है तो मीन और सेंडविशन हो गया अब यहाँ मीन रखो यहाँ स्टैंडविशन रखो और यहाँ रखो के अब के डिपेंड करता है सर किस पे के डिपेंड करता है कि आप जो डिस्चार्ज पता लगाने जा रहे हैं वो कितने साल में लौट देखिए ऑब्वियसली पूरी मैथमेटिक्स में हम ढूंढते हैं किसको एक्स को वैसे डिस्चार्ज की बात है लेकिन हम इस डिस्चार्ज का क्या नाम रख रहे हैं एक्स ठीक है हम एक ऐसा डिस्चार्ज ढूंढना चाह रहे हैं सर जो पाँच साल में लौटेगा हम एक ऐसे एक्स की वैल्यू ढूंढना चाहते हैं जिसका रिटर्न रेट कितना है पाँच सौ एक्स फाइव हंड्रेड ढूंढने में इंटरेस्टेड है हम तो सर ये एक्स फाइव हंड्रेड ऑब्वियसली जो ये डिस्चार्ज पाँच सौ साल में लौटता है सर पाँच सौ साल में एक बार आता सोचिए क्या करेगा आप तो अपने जीवन में देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी उम्र ही सौ साल से ज़्यादा नहीं होगी पाँच साल में एक बार डिस्चार्ज आएगा सोचो तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा होगा तो इसमें के की वैल्यू बहुत हाई होगी मतलब ये जो के का वैल्यू है ये डिपेंड करता है रिटर्न पेड के ऊपर और रिटर्न पेड जितना ज़्यादा होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी उतना ज़्यादा ही लेना पड़ता है ठीक है तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे इस के की वैल्यू को बढ़ाएंगे मतलब रिटर्न पेड अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको के की वैल्यू ज़्यादा लेनी पड़ेगी ताकि आप सही एस्टिमेट लगा पाएँ ठीक है अब इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं गंबल्स मेथड है अभी तुमको बताया था इन सबके नाम लॉग नॉर्मल है लॉग पियर्सल है चाउ में बहुत सारे मैथड हैं लेकिन गंबल का डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है पीक एंड मैक्सिमम में क्या डिफरेंस है एक ही तो बात है बेटा एक ही बात है यहाँ देखो पीक क्या है ना साल में एक दो बार आ सकती है देखो पीक और मैक्सिमम डिफरेंस में ये समझ सकते हो कि जैसे साल भर है अब यहाँ पे देखो पीक दो बार आई है पीक कितनी बार आई दो बार लेकिन अगर हम मैक्सिमम बात करें दोनों पीक में मैक्सिमम तो मैक्सिमम कौन सा ये है तो अगर हम पूरे साल भर के मैक्सिमम डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं पीक तो क्या होता है ग्राफ बढ़ा नीचे आया ग्राफ बढ़ा नीचे आया तो ऐसा तो कई बार हो सकता है

डिपेंड करता है सर टी के ऊपर रेडमेंट जितना बड़ा कि उतना बड़ा और उससे हिसाब आप से आपका डिस्चार्ज आएगा ये मैंने क्वेश्चन कोई अब गम्बल ने इसी वेरिएबल को वेरिएबल मतलब डिस्चार्ज को अरे यार डिस्चार्ज वेरिएबल है कि नहीं हाँ सर तो गम्बल ने इसी वेरिएबल को रिड्यूस करा तो हम बोलते हैं रिड्यूस वेरिएट क्या बोलते हैं रिड्यूस वेरिएट यहाँ पे एक्चुअल वेरिएट है डिस्चार्ज एक्चुअल मतलब एक्चुअल वेरिएबल है और ये हमारा रिड्यूस वेरियंट है उसी के सिमिलर तो वाई टी को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस वेरिएट वाई एन ऐसे होता है वाई एन एस एन क्या है जैसे ये दोनों मीन और स्टैंड इवेशन है वैसे ही यहाँ पे गंबल की रिड्यूस्ड इक्वेशन में वाई एन एसन क्या है मीन एस स्टैंड ऑफ रिड्यूस वेरिएशन हमने वेरिएशन को थोड़ा कम करा सिर्फ ट्रेंड को समझने की कोशिश करी गंबल ने और यहाँ पे मीन और स्टैंडविशन का नाम दिया वाई एन एस एन और ये जो वाई एन एसन है ये डिपेंड करता है कि डेटा कितना बड़ा लाए हो अगर तुम डेटा पचास साल सौ साल दो सौ साल चार सौ साल का लाओगे तो जितना एन की वैल्यू बड़ी होगी जितना एन की वैल्यू बड़ी होगी उसी हिसाब से ये वाई एन एस एन कॉन्स्टेंट होने लगेंगे मतलब ये वाई एन एस एन जो है मीन स्टैंडिवेशन ऑफ रिड्यूस वेरिएशन हमारा Uh, कह सकते हैं एन का फंक्शन है ठीक है चलिए सर ये मिल गया अब हमको वाई टी कैसे मिलेगा रिड्यूज रेट वो है माइनस एलेवन टी ए टी माइनस जैसे मान लो तुम एक्स फाइव हंड्रेड पता लगाना चाहते हो मतलब तुम ऐसा डिस्चार्ज चाहते हो जो पाँच साल में एक बार लौटता है ठीक है तुम ऐसा पता लगाना चाहते हो तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पाँच सौ रख देंगे यहाँ पे हम क्या रख देंगे पाँच सौ रख देंगे ठीक है यहाँ पे रख देंगे आराम से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मला है ये अल बहुत इंपॉर्टेंट फॉमला है इसको जरा सब लोग याद कर लेंगे ठीक है तो इतना बस करना है हमको और फिर वाई को यहाँ रख देंगे ये दोनों हमको टेल्स मिल जाएगा वाई रखा के निकाला के को उठा के यहाँ पुट कर दिया और आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये समझ लो ये तीनों फॉर्मले दिमाग में सेट करो जरा ये तीनों फॉमले सब लोग दिमाग में सेट करेंगे बढ़िया तरीके से एकदम अब तुमको एक क्वेश्चन बताते हैं जिससे तुमको सब समझ में आएगा देखो एक बार स्टेप जरा अच्छे समझ लो क्या गए अच्छे लो। ये पांच हैं सिंपल से, ठीक है? सबसे पहले सर एक काम करिए डेटा को उठा के लाइए फिर आप उस डेटा का मीन और सेंडिविशन निकालिए आसान काम है अब अगला स्टेप है डेटा में कितने एन की वैल्यू है एन कितना है सौ डेटा लाए आप दो सौ डेटा लाए पिछले साल पिछले पांच साल का पचास साल का दस साल का कितने का लाए एन मिल गया उस सैंपल साइज से करस्पॉन्डिंग जब आप टेबल्स का इस्तेमाल करेंगे गम्बल टेबल की गम्बल टेबल बनाई तो आपको वाई एन एस एन मिल जाएगा मतलब आपको मीन और सैंडल मिल जाएगा गम्बल के हिसाब का ठीक है और हाँ एक चीज़ और है अगर एन बहुत बड़ा हो जाएगा अगर एन बहुत बड़ा हो जाएगा नली सौ दो सौ हो जाएगा तो आप वाई एन और एस एन के वैल्यू को कॉन्टेंट ले सकते हैं ये वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएंगी ठीक है लिखा भी हुआ है फॉर इन्फेनेट साइज़ सैंपल और यही अच्छा भी है यही अच्छा भी देखिए सैंपल साइज जितना बड़ा होगा उतना अच्छा प्रिंट कर पाएंगे ठीक है उतना ही अच्छा हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे फिर अब वाई एन एस एन मिल गया तो पहले वाई टी निकालो ठीक है वाई टी निकालो तुमको रिटर्न रेट पता है तुमको पाँच सौ साल का रिचार चाहिए तो तुम यहाँ पे पाँच सौ रख के वाई टी निकालोगे तो वाई टी को हमने यहाँ रख दिया वाई एन एसन जस्ट अभी हम निकाला तो फिर इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके के निकालो अब और फिर इस के को जैसे यहाँ रखेंगे आंसर मिल जाएगा ठीक है तो हमने वाई टी निकाला सर फिर वाई टी निकालने के तो हमने के पता किया इक्वेशन टू से इक्वेशन टू से के की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ के इज़ इक्वल टू वाई टी माइनस वाई है ना एस एन वाई टी माइनस वाई है ना एस एन ठीक है तो बस हमने यहाँ पे रखा और के आया के को उठा के रखा मीन और सेंडिशन पहले से के रखे अपना आंसर निकल के आ जाएगा फिर आखिरी क्वेश्चन वन में अपना एक्स टी निकल जाएगा एक क्वेश्चन देखते हैं तो क्लियर होगा जैसे इस क्वेश्चन में देखो तुम यहाँ पे कह रहा है कि एनुअल फ्लड सीरीज अब देखो हमने यहाँ पे फ्लड सीरीज ली एनुअल मतलब साल साल के मैक्सिमम डिस्चार्ज लेके बैठे उनका मेन दिया है नौ सौ चालीस और उनका जो डिवेशन दिया सेंडिशन वो दो सौ तीन दिया है ठीक है दिया हुआ है डायरेक्ट दिया है कोई इसमें सोचना नहीं है ठीक है पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लड ऑफ हंड्रेड पाँच साल तो सर देखिए स्टेप नंबर वन क्या था हमको मीन और ऑस्ट्रेंडेशन दिया तो वो तो दिया ही हुआ है अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप अज्यूम करिए सैंपल बहुत बड़ा है अब अगर हमने अज्यूम कर लिया सैंपल बहुत बड़ा है सर ये अज्यूम कर ले रहे हैं हम सैंपल बहुत बड़ा है तो क्योंकि एन हमारा अप्रोच कर रहा है इन्फानाइट तो वाई एन एस एन के लिए वही लेंगे जो कॉन्स्ट है पॉइंट फाइव सेवन सेवन देखो यहाँ पे पॉइंट फाइव सेवन सेवन वन पॉइंट टू एट फाइव वरना क्या करते टेबल में जाते एन मान लीजिए पचास है तो पचास के सामने वाई एन एस एन हमको मिल जाता टेबल में देखना पड़ता फिर ठीक है कम्बल की टेबल है ठीक है कोई नहीं मिक्सअप ना करो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देखो तो इस्टेप में बोल रहा हमने सर मीन और एडमिशन हमको दिया हुआ है निकालने जरूरत नहीं पड़ी फिर हमने वाई एन एस एन निकाला टेबल से बनना कॉन्स्टेंट वाई एन एस एन की वैल्यू याद कर लो फिर वाई टी निकालो वाई टी बहुत जरूरी है वाई टी बहुत जरूरी है ठीक है वाई टी सर लोग सॉल्व करेंगे एक बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से कि वाई टी लोग सॉल्व करें क्योंकि एग्जाम में गेट में तुमसे रिड्यूस वेरिएट ही निकालने को बोलता है सीधे अब यहाँ पे हमारा टेनट पांच सौ है तो फाइव हंड्रेड करस्पॉन्डिंग तो माइनस एलन एल एन मतलब नेचुरल लॉग नेचुरल लॉग पाँच सौ अपॉइंट पाँच सौ माइनस वन करो सॉल्व करो एक बार ज़रा कैलसी में ये वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव आएगी देखना अभी सॉल्व करोगे तो फिर से नेचुरल हो तो फिर नेगेटिव आएगा मतलब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव हो जाएगा फिर माइनस वन सेन में प्लस हो जाएगा बल्कि हमने तो पता क्या कर रखा था हमको याद है कि जब हमने रिटर्न पीरियड सौ रखा दो सौ रखा तो कितना कितना वैल्यूज़ आती हैं पचास सौ दो सौ पाँच सौ इन सब का तो वाई टी याद ही कर लो जैसे पाँच सौ का वाई टी कितना आया छः पॉइंट टू वन आया इसका शायद चार कुछ आता था इसका कुछ पाँच आता है मतलब बढ़ता जाता धीमे धीमे जैसे जैसे रिटर्न रेट बढ़ता है जैसे जैसे रिटर्न रेट बढ़ता है वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी बढ़ती है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो हम कहेंगे टेबल ना के याद कर लो क्योंकि एग्ज़ाम में निकालने का आता तो हम तो याद ही कर लेते थे सीधे ठीक है हम हम चाहते थे एकदम बढ़िया स्पीड रहे तो वाई निकाल एक बार निकाल लो इसको कितना आ गया सिक्स पॉइंट टू वन हाँ इसको जरा एक बार दिमाग में रख लेना अच्छे से माइनस नहीं आएगा ठीक है माइनस नहीं आएगा फॉमूला फॉर्मूला हाँ है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा मैंने बता देंगे ठीक है एक तो तुम तो 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 जो इम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़े वो रैशनल फॉमूला और ये चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इम्पेरिकल फॉमूला जो डिकन रीव्स वो सब पढ़ा था दो वो एक तुम्हारा रैशनल फॉमूला और एक ये ये चार जो है इंपॉर्टेंट ज़्यादा बाकी सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है हाँ रिड्यूस वेरिएट समझ लो रिड्यूस वेरिएट का मतलब तो बता देते हम थोड़ा सा रिड्यूस वेरिएट क्वाइटी बोलते हैं मतलब क्या है जैसे सर आपका जैसे आप डिस्चार्ज वाला लगाना चाहते हैं नदी में आप डिस्चार्ज वेरिएबल है कि नहीं बताओ तुम डिस्चार्ज वेरिएबल है यह yes सुनो no? डिस्चार्ज को हम वेरिएबल बोलते हैं लेकिन गम्बे ने एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन खुद का बनाया एक अलग वेरिएट लिया उसका नाम रखा रिड्यूस वेरिएट ठीक है बस और उसी के हिसाब से उसी के हिसाब से उसी जो रिड्यूस रेट बनाए उसी के हिसाब से के की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर की ठीक है क्योंकि पास्ट डेटा को इन्वॉल्व करना है और उससे हेल्प और फ्रीक्वेंसी फैक्टर फाइंड होगा और उसी फ्रीक्वेंसी फैक्टर रख के हम फिर आराम से स्टैटिस्टिकल फॉर्म लगा के अपना आंसर निकाल देंगे चलो वाई टी आ गया अब इस इक्वेशन में यूज करके देखो के निकालो यहाँ से हमें वाई टी पता है वाई एन एस एन पता है के निकालो तो वाई टी माइनस वाई एन वाई टी कितना है सिक्स पॉइंट टू वन वाई एन कितना है पॉइंट फाइव सेवन सेवन अपन पॉइंट ये सब रखा तो फोर पॉइंट थ्री नाइन आ गया फिर अब हमें डिस्चार्ज एक्स पता करना है डिस्चार्ज करस्पॉन्डिंग टू फाइव हंड्रेड ईयर्स कितना मीन प्लस के सिग्मा मीन कितना 940 सौ चालीस सिकमा सौ तीन के आया फोर पॉइंट थ्री नाइन प्लस करा ये आंसर आ गया ठीक है इसको बोलते हैं वन एट थ्री वन पॉइंट वन सेवन मतलब एक ऐसा डिस्चार्ज जो पाँच सौ साल में लौटेगा एक ऐसा डिस्चार्ज जो पाँच सौ साल में लौटेगा उसकी वैल्यू कितनी है उसकी वैल्यू कितनी है वन एट सीवन तो बस इतना सा काम करना है तो कर ही लोगे यार ठीक है बेटा टेंशन मत लो बता देंगे लेक्चर के एंड में है ना क्लियर है यहाँ तक क्लियर बताओ तो कंबल्स मेथड क्लियर तो है अब एक समस्या और निकल के आई समस्या ही समस्य है निकल के आई कह रहे हैं ऐसे कैसे बता देंगे एग्जैक्ट ऐसे कैसे बता हैं अच्छा हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं तुम एक, एक सवाल पूछ रहे हैं हम ये बताओ तुम बता सकते हो गेट तुम्हारा एग्जैक्ट कितने मार्क्स आएंगे बताओ क्या तुम हंड्रेड परसेंट यकीन के साथ ये कह सकते हो कि मेरे मार्क्स पचपन नंबर आएंगे छप्पन आएंगे पचास आएंगे ऐसा बोल सकते हैं क्या बताओ हैं ऐसा बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते यार हम हंड्रेड परसेंट क्या आप कुछ हाँ ये है कि हम अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा कम करें हम ये बोल सकते हैं कि सर एक रेंज लेते हैं जैसे मान लो हम बोलें कि ज़ीरो मान लो नंबर आते हैं जीरो से सौ के विषय नंबर आएंगे तो हम ये बोल सकते हैं सर मेरे नंबर पचास से साठ आएंगे इसकी संभावना मात्र नब्बे परसेंट है लेकिन या कह सकते हैं अस्सी परसेंट अब मान लो तुमने रेंज बढ़ा दी तुम बोलो नहीं सर मेरे नंबर चालीस से के बीच में आएंगे तो जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी वैसे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम बोलो कि नहीं हमारे नंबर चालीस या साठ में आएंगे इसकी संभावना नाइन्टी टू परसेंट है तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अब तुमने रेंज और बढ़ाई तुमने बोला सर मेरे नंबर तीस से सत्तर के बीच में आएंगे तो तीस से सत्तर विषय नंबर तो आ ही जाएंगे यार इसकी संभावना नाइन्टी फाइव परसेंट हो जाएगी फिर तुमने बोला नहीं नहीं सर मेरे मार्क्स तो जीरो बीच में आएंगे यार जीरो के बीच में आएंगे इसकी संभावना तो हंड्रेड परसेंट है बात समझ रहे हो तो एक कॉन्फिडेंस लिमिट चाहिए हमें हमें हम एग्जैक्ट हम डिस्चार्ज बताने से अच्छा एक रेंज बताएंगे तो बढ़िया रहेगा क्योंकि एग्जैक्ट कुछ भी नहीं होता दुनिया में एग्जैक्ट दुनिया में कुछ भी नहीं होता सिर्फ प्रॉबलिटी है, है कि नहीं बताओ बात समझ में आ रही है तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते इसलिए ये जो डिस्चार्ज निकल के आए ठीक है लेकिन अगर हम इसमें कुछ प्लस माइनस करके एक रेंज बता दें और बता देते हैं कि डिस्चार्ज इस रेंज में आएगा इसकी संभावना कितनी है इस रेंज में डिस्चार्ज आएगा उसकी संभावना कितनी है तो ज़्यादा बेटर होगा तो इसके लिए गम्बल ने एक पूरा मेथड दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हो बहुत सिंपल सा मेथड है कुछ नहीं है एक बार प्लस करो जो डिस्चार्ज हमारा भी आया ना अठारह उसमें अगर प्लस करो कोई वैल्यू थोड़ी माइनस करो तो प्लस माइनस करने पर हमको एक रेंज मिल जाएगी और उस रेंज में आने की संभावना या तो फिफ्टी हो सकती है या सिक्सटी एट एट्टी इस तरह से जैसे मान लो ठीक है एल्फा मतलब हमारी कॉन्फिडेंस प्रॉब्लिटी है उसका रेस्पॉन्डिंग एफ एल्फा आएगा एफ एल्फा को यहाँ पे रख देंगे इन टू स्टैंडर्ड प्रॉब्ल अडर कर देंगे जिसका फॉमला बी सिग्मा सिगमा तुम निकाला ही हुआ क्वेश्चन में एन तो मैं पता है पचास साल का डेटा सौ साल का डाटा वो भी दिया रहता है और बी तुम्हारा इस फॉमले से निकल जाएगा के फ्रीक्वेंसी फैक्टर हमने निकाला था तो K के रख के बी आ जाएगा और फिर ऐसी ही मिल जाएगा एसी इन टू कर देंगे एफ एल्फा और प्लस माइनस करके आंसर निकल जाएगा जैसे एक क्वेश्चन देख लो छोटा सा तो तुमको समझना है जैसे अभी हमने यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमको मान लीजिए ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया था अब इन्होंने बोला कि भैया नाइन्टी फाइव परसेंट की कॉन्फिडेंस लिमिट के करस्पॉन्डिंग क्या आंसर होगा अब वाई एन एसन यहाँ पे दिया गया है ठीक है वाई एन एस एन सब दिया गया है और तुमने मीन रखा मीन रखा ठीक है सर सिग्मा रखा ठीक है सर हमको के निकालना था तो के हमने वाई टी माइनस वाई एन एसन करा वाई टी में पता है पाँच सौ साल के करस्पॉन्डिंग के पीछे वाई टी कर हमने निकाला था ना पाँच सौ साल के सिक्सपॉन्ड टू बनाया था पीछे वाई एन एसन इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दे रखा रखा हमने तो के मिल गया के को उठा के हमने यहाँ रखा तो हमको मिल गया डिस्चार्ज कितना बीस हज़ार तीन सौ बीस लेकिन सर हमें क्या करना है इस बीस हज़ार तीन सौ बीस में इस बीस हज़ार तीन सौ बीस में कुछ प्लस करेंगे कुछ माइनस करेंगे ठीक है अब बताओ हमें नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस होना है तो हमारे एफ एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस ले आपकी वैल्यू वन पॉइंट नाइन सिक्स है मतलब आप इस डिस्चार्ज में यहाँ देखो आप इस डिस्चार्ज में वन पॉइंट नाइन सिक्स प्लस करिए इधर आ जाओ तो नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस के लिए सर आप क्या करिए ये जो डिस्चार्ज था आपका बीस हज़ार तीन सौ बीस इसमें आप वन पॉइंट नाइन सिक्स इंटू एसी ए सी कैसे निकलेगा बी सिग्मा सिग्मा क्वेश्चन दिया गया था एन बानवे है क्योंकि हमारा डेटा नाइन्टी टू दिया गया है पीछे लिखा हुआ है सब कुछ K, के तो तो उठा के अलू में निकाली थी उठाकर रखे बी निकल जाएगा तो सब कुछ बेसिक फॉमले वॉमले हैं आराम सत्रह सौ छब्बीस आ गया मतलब यहाँ सत्रह सौ छब्बीस रखो यहाँ वन पॉइंट नाइन सिक्स रखो एक बार प्लस करो माइनस करो प्लस करा तो इतना आ गया माइनस किया तो इतना आ गया इसका मतलब हमारा डिस्चार्ज इस रेंज में होगा पाँच सौ साल बाद पाँच सौ साल बाद जो बाढ़ आती है नदी के अंदर उसकी जो वैल्यू होगी वो इस रेंज में होगी इसकी संभावना नाइन्टी परसेंट है ऐसे अगर तुम चाहते हो एट्टी परसेंट कॉन्फिडेंस लिमिट्स निकालना मतलब एक ऐसी लिमिट जिसमें हम अस्सी परसेंट मौकों भरोसा कर सकें तो अस्सी परसेंट का एफ एल्फा कितना दिया है टेबल के अंदर अस्सी परसेंट का एफ एल्फा कितना दिया है वन पॉइंट टू एट टू वन पॉइंट टू एट टू रख देंगे है ना यहाँ देखो हमने आपकी वन पॉइंट नाइन सी से वन पॉइंट टू एट टू रख दिया प्लस करेगा माइनस करा सत्तर छब्बीस अपनी स्टैंडर्ड है यहाँ पर फिर एक रेंज आ गई इस रेंज में डिस्चार्ज होगा इसकी संभावना अस्सी परसेंट देखो रेंज छोटी हुई ना देखो ये रेंज बड़ी है ये रेंज छोटी है रेंज छोटी हुई तो देखो हमारा भरोसा भी कम हुआ जितना रेंज छोटी करते जाओगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी घटता जाएगा है कि नहीं हाँ बहुत फॉर्मले हो गए हैं नहीं देखो इसमें स्पीड हम स्लो क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ही आएगा नहीं ठीक है हमने स्पीड स्लो कहाँ करी जहाँ आएगा हमने तुमको बता दिया ठीक है तो ये सब क्योंकि आना नहीं लेकिन हाथ में दिमाग में तुमको पता चल गया भाई ये सब चीज़ें हैं इसलिए हम यहाँ पे ध्यान ज़्यादा दे नहीं रहे ठीक है हाँ ये है कि गम्बल मेथड तो तुमको पता होना चाहिए तो वो हमने तुमको तो समझा दिया है कॉन्फिडेंस लिमिट वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ठीक है पी डी एफ मिलेगी इसको तुम अपने हिसाब से फॉरवर्ड लेना ठीक है चलो तो हम एक बार फिर से तुम बता देते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अब हम तुमको बताते हैं कि चैप्टर में क्या क्या जरूरी है अभी हम लोगों ने पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है एक छोटा टॉपिक बताया उसको ख़त्म करके फिर फ्लड वोटिंग शुरू करते हैं ध्यान क्या देना सुन लो जरा एक ध्यान यहाँ देना है इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो एक बार फिर से हम समय दे रहे हैं यहाँ पे कहीं दिक्कत है में ठीक है गम्बल्स में बताओ कोई दिक्कत तुमसे एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या पता के निकलवा क्या पता वाइट निकलवा बोले रिड्यूस रेट का बताओ वैल्यू क्या होगा रिटर्न रेट पांच है चार सो है सौ है दो है ये पूछ सकते हैं ठीक है सर हमने ध्यान दे दिया यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ठीक फिर हमसे अगला ध्यान हमें कहाँ देना है सर बता दीजिए जहाँ पे ध्यान देने वाला है फिर हमको अगला ध्यान देना है यहाँ पे सी आई ए सी आई ए में ध्यान देना है ठीक है सीक्रेट निकालना चाहिए आई अपना निकालना चाहिए ठीक है ज़्यादा फॉर्मला नहीं याद करो सीधे सीधे सब दिया रहेगा इंटरसी तो हम यहाँ से आराम से सी आई ए करके निकाल लेंगे ठीक है एक यहाँ ध्यान देना है उसके अंदर अगला ध्यान हमको यहाँ देना है डिकेन और री फॉर्मला में ठीक है बस इतना और कुछ नहीं और कुछ जरूरी नहीं ज़्यादा ठीक है हम पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सब आएगा अब हमने कॉन्फ्रेंस में पढ़ा दिया आना थोड़ी ज़्यादा अब हम लोग चलते हैं अपने अगले चैप्टर जिसका नाम है फ्लड राउटिंग ठीक है सा फ्लड राउटिंग देखते हैं हम लोग यार इसमें वो नहीं लिखा हुआ है, डेफिनीशन जो है एस पी एफ और पी एम एफ वाली चलो कोई नहीं तो यहाँ पहुँच अब हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर आठ जो कि फ्लड रोटिंग फ्लड वाले चैप्टर के अंदर मैंने मेरी जाना फ़्लड होता है क्या है सर ठीक है फ्लड हमारा क्या है और दूसरा हमने जाना कि बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम पीक डिस्चार्ज निकाल सकते हैं बस इतना जाना हमने और उस पीक डिस्चार्ज निकालने में भी, भी सर हमको आपने बताया कि तीन ही जगह फोकस करो एक तो एम्पेरिकल वालों पर जिसमें डिकिन और रीव थे दूसरा मैंने रैशनल पे थोड़ा ध्यान लो और आपने फिर बताया कि जो फ्रीकवेंसी डिस्ट्रबूशन वाला है जो हमारा गंबल मेथड है उस पर ध्यान देना है ठीक है बस इतना इतना ध्यान देना है ठीक है सिग्मा एन माइनस वन बता दीजिए ये पूछ रहे हैं अमित अमित सिग्मा सिगमा एमरासन कुछ नहीं है जब भी हम सिग्मा निकालते हैं ठीक है और अंडर रूट लगा के यहाँ पे डिवीजन का स्क्वायर कर सम करते हैं तो नीचे एन माइनस वन रखते हैं बस ये हो जाता है सिग्मा सिगमा एन एनमरासन ठीक है इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो कभी मैथ्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे ठीक है अभी इस पर ध्यान मत दो अभी मैथ्स र... देखो डेटा जब कम लेते हैं तो एनरासोन लगाते हैं जब डेटा बड़ा होता है तो एन लेते हैं ठीक है फिलहाल हम लोग हमेशा एन माइनस वन लगाएँगे क्योंकि वहाँ पर डेटा जो है कम ही रहता है अब फ्लड राउटिंग समझते हैं ठीक है अच्छा फ्लड राउटिंग बढ़ने से पहले हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं एक लाइन और लिख देते हैं वहाँ पे कुछ छूट ना जाए ताकि पढ़ रहे हैं तो पूरा ही देख लेते हैं कि जब भी हम लोग कभी फ्लड को डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग डिज़ाइन फ्लड निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं किस क्या निकालने में डिज़ाइन फ्लड डिज़ाइन फ्लड का मतलब एक ऐसा डिस्चार्ज जो हमारे स्ट्रक्चर से सेफली से पास कर सके एक ऐसा डिस्चार्ज जो हमारे पुल से आराम से पास हो जाए लेकिन हमारे पुल में कोई दिक्कत ना आए उसे बोलते हैं मतलब क्या कर सकते हैं कि एक एक फ्लड या एक डिस्चार्ज विच कैन इजली पास थ्रू आर स्ट्रक्चर ठीक है अ फ्लड दैट कैन बी सेफली पास स्ट्रक्चर इज नोन एज डिजाइन फ्लड अब इस डिजाइन फ्लड की जो वैल्यूज होती हैं वो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं या तो ले सकते हैं एस पी एफ या तो ले सकते हैं स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड या तो ले सकते हैं पी एमएफ प्रॉबेबल मैक्सिमम फ्लड और या तो ले सकते हैं पीएमपी प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन ठीक है ये हमारा एसपीएफ कहलाता है इसके लिए थोड़ी कम होगी देखो एसपीएफ का मतलब हम एक ऐसा डिजाइन एक ऐसा डिस्चार्ज सोचेंगे अपने मन में जो कि मिड लॉजिकली और हाइड्रोलॉजिकली काफी सीवियर होगा अपने कैचमेंट एरिया में लेकिन उसमें रेयर कॉम्बिनेशन इंक्लूड नहीं होंगे रेयर कॉम्बिनेशन मतलब एकदम तबाही वाला एकदम खतरनाक कॉम्बिनेशन आपने कैश में लिया कि भाई ये भी हो गया वो भी हो गया सब कुछ एक साथ हो गया तो सबसे खतरनाक डिशा आया तो रेयर कॉम्बिनेशन ले लेना है लेकिन आप सीवियर मोस्ट हाइड्रोलॉजिकल और मेटोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से जो डिस्चार्ज चूज़ करेंगे उसे हम स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड बोलेंगे फिर प्रोवल मैक्सिमम फ्लड क्या होता है पी सर इसमें क्या है अगर आपने अपने एस वाले में रेयर कॉम्बिनेशन जोड़ दी रेयर कॉम्बिनेशन मतलब एकदम ऐसी चीज़ें ऐसी घटनाएँ जो हो ही नहीं सकती रेयर का मतलब समझते हो रेयर का मतलब ये होता है यार कि मान लो हमारी बिल्डिंग है जिस समय रहा था उसी समय हवा भी बहुत तेज चल रही थी उसी समय बिल्डिंग में आग भी लग गई तो फायर लोड विंड लोड अर्को सब जब एक साथ आते हैं उसको कहते हैं तबाही मत जाना रेयर कॉम्बिनेशन ठीक है तो अगर आप रेयर कॉम्बिनेशन को ले लेंगे तो आपका एस पी एफ में जब रेयर कॉम्शन लेगा तो आपका पी एफ बन जाएगा और पी एम पी प्रॉब्लम एक्समेंट ये तुमको हम समझा ही चुके हैं ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है रैंक वन है ये जैसे गेट में अगर हम बात करें तो इसको हज़ार रैंक मानो इसको सौ रैंक मानो इसको रैंक वन मानो तो रैंक वन के नंबर सबसे ज़्यादा होंगे ठीक है रैंक वन की तैयारी करोगे ना तो डैम बनाने में खर्चा ही बहुत होगा तो इसलिए हम लोग बीच का सुझाव निकालते हैं इसलिए हम लोग रैंक वन की तैयारी नहीं करते हैं डैम को बीच में ही कुछ ले लेते हैं ठीक है तो ये तीन टर्म्स भी याद रखना तुमको हमने थोड़ा तो आइडिया दे दिया है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये ठीक है लेकिन पूछ सकते हैं कि रेयर कॉम्बिनेशन किसमें इंक्लूड नहीं करते हैं इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं किसमें करते हैं पीएमएफ में ओके इसमें सब कुछ करते हैं दुनिया तो की है, सारी चीज़ वो हमारा पी अब अगला चैप्टर हमारा क्या है फ्लड राउटिंग यहाँ आ जाओ फ्लड राउटिंग का मतलब क्या है एक आसान भाषा में अगर समझे हम सर बाढ़ तुम समझ गए और बाढ़ का डिस्चार्ज निकले कैसे वो भी समझ गए हम ठीक है मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालने के तरह तरह के फॉर्मूले हैं सर सब समझ गए हम एक्चुअल में यार क्या होता था ना पहले समझने की कोशिश करो थोड़ा थो थो सा कि बाढ़ आती थी मान लो राम किशन के गांव में बाढ़ आई हुई है ठीक है और रामकिशन की बेस्ट फ्रेंड कौन है चंपा ध्यान समझो बढ़िया कहानी दान है, है एक बार समझ जाओगे राम किशन के गांव में बाढ़ आ गई एक मिनट तो एनर्जी ले लें ले जरा थोड़ी आज कुछ पैर में हुआ तो है हमारे यार एक तो आजकल पता नहीं कौन सा नया वेरिएशन चल रहा है चिकन गुनिया और पता नहीं कौन कौन सा मिक्स चल रहा है एकदम आजकल बहुत फैल रहा है ये बीमारी सब लोग सवाल वाले रहो एकदम ठीक है हाँ सब फ्लैट आउटिंग समझाइए एक लाइन में बढ़िया समझाते हैं कहानी सुनो ध्यान से तो राम किशन की बेस्ट फ्रेंड कौन है चंपा राम किशन रहते हैं अपस्ट्रीम में चंपा रहती है डाउन स्ट्रीम में नीचे जाके नदी के थोड़ा सा उनका गांव पड़ता है गांव तो समस्ते ही हो ठीक है छोटी छोटी आबादी के क्लस्टर्स जो होते हैं उनको गांव बोला जाता है मतलब जहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह ज़्यादा नहीं है तो अब राम किसन के गाँव में बाढ़ आ रही थी एकदम पानी भरने लगा तो राम किसन के गा, गाँव में तबाही मचना शुरू हो गई है लेकिन अभी चंपा बची हुई है तो राम किसन कह रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए चलो मेरे साथ तो जो नौता हो गया अब जो चंपा यहाँ से दस किलोमीटर डाउन में है या मान लो बीस किलोमीटर नीचे रह रही है नदी में ठीक है भाई नदी का पानी आगे जाता है तो वहाँ तक ये इफ़ेक्ट पहुँचे बीस मिनट नीचे हम उसको पहले से ही बता देते हैं हम फ्लड की फोरकास्टिंग कर देते हैं ताकि चंपा बच जाए है, है कि नहीं बचाना भी ज़रूरी तो सिंपली मतलब यहाँ पे यह है फ्लड राउटिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमको किसी अपस्ट्रीम सेक्शन पे पता चल जाए कि ये बाढ़ आ गई है या कह सकते हैं फ्लड वेव आ गई है तो डाउनस्ट्रीम में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर लें डाउन स्ट्रीम में क्या होने वाला है ये अगर हमको हाइड्रोग्राफ हम प्रिडिक्शन कर लें एक्चुअल का वेट ना करे बिना उसे हम बोलते हैं फ्लड आउटिंग मतलब एक ऐसी टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सर हमको इनफ्लो इनफ्लो मतलब सेक्शन वन अपस्ट्रीम जैसे मान लो डैम बना ये, है ये अपस्ट्रीम सेक्शन है डाउन सेक्शन है सेक्शन वन पे मान लीजिए वेव आई तो सेक्शन में जब वेव आएगी तो हमको उस वेव का पूरा आइडिया है तो उस सेक्शन के अंदर जैसे आप ये देखिए पूरा एक आपका रीच है रीच है अपने स्ट्रीम की रिवर की या चैनल की रीच बोल सकते हैं ये चैनल ही रिजर्वर है रिजर्वर मतलब जब तुम्हारा डैम होता है उसके पीछे का इलाका और चैनल तो कोई डैम है, है नहीं सिंपल नदी टाइप की समझ लो ठीक है दो जगह हैं सेक्शन वन पे अगर एक वेव आती है बाढ़ आती है तो ऑब्वियसली रिचार्ज बढ़ेगा फिर धीमे से घट जाएगा लेकिन इसका इम्पैक्ट डाउन में सेक्शन टू पर क्या होने वाला है सर यहाँ से अगर बाढ़ आना शुरू होती तो यहाँ क्या होने वाला है थोड़ी देर बाद या यहाँ से बाढ़ आती तो यहाँ से पानी की सर निकलना थोड़ी देर बाद उस सेक्शन सेक्शन टू जो कि डाउनस्ट्रीम में है अगर हम उसका शेप पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस टेक्निक को बोलते हैं फ्लड राउटिंग और एक बहुत बेसिक बात है क्यों कर रहे हैं ऐसा यार हम खुद बताओ हम क्यों कर रहे हैं चंपा को बचाने के लिए चंपा नहीं डाउन में जो गाँव है उन पर फ्लड ना आ जाए उनको बचाने के लिए करेंगे हम फ्लड फोरकास्टिंग के लिए करेंगे है कि नहीं या तैयारी के लिए करेंगे भाई डैम का गेट थोड़ा और ऊँचा बनाओ इस तरह से प्लानिंग करेंगे बात समझ में आ रही होगी तुमको ठीक है हम्म अब तुम लोग कहानी में तुम लोग बहुत मज़ा आ रहा है देख रहे हैं इधर आ जाओ वापस तो एक प्रोसीजर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं डाउन लोकेशन में हम लोग फ्लड हाइड्रोग्राफा बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है जब हमको अपस्ट्रीम में एक ग्राफ हाइड्रोग्राफ हमको पता होता है अपस्ट्रीम की अगर हमको एक वेव पता है फ़ायदा देखो लिखा हुआ है इससे क्या होता है कि हम लोग फ्लड पीक का अनुमान लगा सकते हैं डाउन लोकेशन में फ़्लड को प्रेड कर सकते हैं ताकि डाउन में जो गाँव वगैरह वहाँ के लोग बच जाएँ है ना ठीक है सर फिर हम लोग क्या कर सकते हैं अब अगर हमको डाउन के गाँव में डिस्चार्ज पता चल गया मान लीजिए ठीक है हमने अनुमान लगा लिया टेक्निक अभी हम बताएँ कैसे लगाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर आप इमेंगवेंट ला सकते हैं बड़े बड़े इमैकमेंट डना सकते हैं जिससे कि आप पानी को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें भाई हाइट बढ़ा दो तो इमेंकमेंट की बंधा बना दो तो, बंधा बोलते हैं हिंदी में ठीक है फिर हम लोग नदी का बिहेवियर कैसे होगा वो पता लगा सकते हैं ठीक है जब कभी हमारे चैनल कंडीशन का कोई चेंज बदलाव कर देते हैं तो हमारे नदी कैसे बिहेव करने वाली है वो समझने की कोशिश कर सकते हैं बाकी हम लोग रिजर्वायर को तैयार कर सकते हैं ठीक है हम लोग रिजर्वायर को तैयार कर सकते हैं बाढ़ आने से पहले बाकी हम लोग यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ स्पिलवे निकाल सकते हैं स्पिलवे जानते हो क्या होता है इस वे तो तुम लोग को हम पढ़ाएंगे ये डैम है डैम में एक्स्ट्रा पानी जब मतलब ये तो चलिए अपर लिमिट हो गई थोड़ा एक्स्ट्रा पानी और स्टोर कर सकते हैं अगर हमने यहाँ पर मान लो गेट लगा दिया यहाँ पर ऊपर वाला तुमने गेट लगा दिया तो इस गेट के पीछे बहुत सारा पानी स्टोर जाएगा इसको स्पिलवे बोलते हैं जब स्पिलवे को खोल देंगे तो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा जब बाढ़ आती है तो बहुत सारा पानी एक्स्ट्रा स्टोर करने की कोशिश करनी पड़ती है ठीक है वो हम लोग स्पिलवे के पीछे करते हैं स्पिलवे नाम से समझ हमारे स्पिलवे मतलब एक्स्ट्रा पानी को निकाल दें तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी वो भी पता लगा सकते हैं ठीक है अब यार ऑब्वियसली बात है जब हमको आउटफ्लो का ग्राफ मिल जाएगा यहाँ पर तो इसका एरिया में निकाल के हम वॉल्यूम निकाल देंगे कितना पानी ऐसे बहने वाला है उस हिसाब से हम स्पिलवे यहाँ पर तैयार कर सकते हैं ठीक है तो मतलब कई सारे फायदे हैं समझ गए सर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में आएंगे ध्यान देना है यहाँ पे सुनना है हम लोग को कौन सी दो टेक्निक है जो यूज़ होती हैं एक होती है हमारी हाइड्रोलॉजिक राउटिंग और दूसरी होती है हाइड्रोलिक राउटिंग इसको भूल जाओ दिमाग से ये दिमाग से निकल गया आने नहीं है ये ठीक है सर हाइड्रोलॉजिक राउटिंग थोड़ी आसान होती है क्योंकि इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं डिस्चार्ज जो है वो सिर्फ समय के साथ बदल रहा है डिस्चार्ज किसी एक लोकेशन पे सिर्फ समय के साथ बदल रहा है ये हम मान के चलते हैं तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे सिर्फ समय का वेरिएशन लिया है किसी एक लोकेशन में और आप एक ही लोकेशन में फंसे रहते हैं या तो लोकेशन नंबर वन पे या लोकेशन नंबर टू पे वन और टू पे आप समय के साथ बदलाव देख रहे हैं और आप एक ऐसा ग्राफ बना देते हैं बस डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का तो आप यहाँ पे सिर्फ डिस्चार्ज को समय का फंक्शन ले रहे हैं डिस्चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम एट एटेंडीशन तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिक है राउटिंग और इसके अंदर हम लोग सिर्फ कंटिन्यूटी इक्विजन यूज़ करते हैं ठीक है कंटिन्यूटी इक्विजन क्या होती है उनको पता ही है कोई बहुत चीज़ नहीं है ठीक है सबको पता है माइनस आउटफ्लो इक्वल डेल्टा एस कंटिन्यूटी ही तो है ये कंजर्वेशन ऑफ मास लेकिन इसके अंदर सर क्या होता है हम यहाँ पे डिस्चार्ज को टाइम के साथ साथ स्पेस का फंक्शन लेते हैं फंक्शन और स्पेस से टाइम लेते हैं ठीक है और ये थोड़ी टफ होती है इसके अंदर हम लोग कंटिन्यूटी और मोमेंटम के दोनों यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं सेंट ट्वेंटी इक्वेशन देखो यार तुमने अगर ओसी एफ और एफ एम पढ़ रखी हो तो तुमको पता होगा कि एफ एम के अंदर तीन इक्वेशन तो होती तो मैं होती कंटिन्यूटी एक होती मोमेंटम और एक होती बर्नोलील एनर्जी अरे पी बाय रो जी वी स्क्र बाई टू जी ये तो सबसे कॉमन है ठीक है किसी गेट एट इम्पेक्ट देखते हो तो एमोमेंटा इक्वेजन यूज़ करते हो गए कंडोटी ए वन ई वन वाली सिंपल ए टू ए टू है ना वो सब स्टडी स्टेट में तो तीन इक्वेशन होती हैं तुमको फिलहाल इनके नाम याद रखने है यहाँ पे बस इतना याद रखो अभी यहाँ के लिए कि हाइड्रोलिक राउटिंग जो होती है ज़्यादा नहीं पढ़ना है सब इसमें दो इक्वेशन चलती हैं और अपनी जो हाइड्रोलॉजिक राउटिंग उसमें एक चलती है ये इंपॉर्टेंट है यही हम लोग देखेंगे ठीक है तो अब जैसे क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आया हुआ है यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन ये देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ बोल रहा है कि हाइड्रोजिक फ्लड राउटिंग पहली वाली लम्ड राउटिंग जो है उसमें कौन सी इक्वेशन यूज होती है तो सिर्फ कंटिन्यूटी यूज होती है ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया हुआ है फिर ये पूछ रहा है तुमसे कि अनस्टडी ओपन चैनल फ्लो है और स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या है तो बता लोगे नहीं इस तरह क्वेश्चन बताओ कमेंट करो एक बार हो जाए कि नहीं हो जाए बताओ हम्म ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हो जाने चाहिए एग्जाम में तो सर आपने दो टेक्निक हम लोग को बता दी अब आपने मतलब मोटी मोटी बात हमको ये बोल दी है क्या मोटी मोटी बात बोल दी है कि यही इंपॉर्टेंट है ये बेकार है अब हम अपना फोकस लगाने जा रहे हैं हाइडलॉजिक राउटिंग इस टेक्निक को फोकस करेंगे और समझेंगे कि कंटिन्यूटी इक्विजन होती क्या है कंटिन्यूटी क्यूजन समझेंगे तभी तो समझ में आ पाएगा ना मेथड तो चलिए सर हम लोग पहले कंटिन्यूटी इक्विजन समझने की कोशिश करते हैं मोमेंटम वोमेंटम तुम्हारी रहन दो ठीक है रहन देते हैं हम लोग कंटिन्यूटी समझते हैं ठीक है तो कंटिन्यूटी समझने की कोशिश करेंगे अब देखो ऐसा है ऐसा कोशिश समझेंगे जैसे ये हमारा इनफ्लो हाइड्रो हाइड्रोग्राफ इनफ्लो मतलब देखिए नदी थी हमारी ये सेक्शन वन ये सेक्शन टू अब यहाँ पे डिस्चार्ज बढ़ेगा तो ये जो वाइट वाला ग्राफ देख रहे हो और फिर घटेगा भी इसको हम इनफ्लो हाइड्रोग्राफ बोल रहे हैं ठीक है समझ गए और जो हमारा सेक्शन टू है भाई इसका इफेक्ट थोड़ी देर वहाँ ही पड़ेगा तो यहाँ का ग्राफ बढ़ेगा घटेगा तो ये हमारा जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हो उसको हम लोग आउटफ्लो हाइडोग्राफ बोल रहे हैं ठीक है सेक्शन वन सेक्शन टू पे अब सेक्शन वन सेक्शन टू में अगर हम थोड़ा टाइम गैप लें मतलब हम टाइम टी वन लें टाइम टी टू लें तो देखिए टी वन टाइम पे अगर इनफ्लो आपका आई वन है तो टी टू टाइम पे इनफ्लो आपका आई टू हो जाएगा भाई सेक्शन वन से आपका जो पानी जा रहा है वो टाइम वन पे अलग होगा टाइम टू पे अलग होगा तो आई वन, मतलब वन, तो वन का मतलब क्या है इनफ्लो डिस्चार्ज टाइम टी टाइम वन आउट आई टू का मतलब क्या है इनफ्लो डिस्चार्ज एट टाइम टू ठीक है फिर आउटफ्लो का मतलब क्या है क्यू वन आउटफ्लो डिस्चार्ज एट टाइम वन और क्यू टू मतलब कि आउटलो डिस्चार्ज टाइम टू अगर हम सिर्फ इतने रीजन की बात करें तो हम यहाँ पे आई वन आई टू का एवरेज ले लेंगे ठीक है डिस्चार्ज का एवरेज ले लेंगे सिंपल हमने सर क्या करा यहाँ पे डिस्चार्ज का ले लिया एवरेज इनफ्लो डिस्चार्ज क्या होगा हम उसका एवरेज ले लेंगे हम मान के चलें कि अगर एक स्मॉल इंक्रीमेंट इन टाइम है तो आई इनफ्लो आपका क्या हो जाएगा देखो इनफ्लो चेंज हो रहा है यार इन्फ्लो आई से आई जा रहा है मान लेते हैं तीन घंटे में दो घंटे में तो अगर हमको एक जनरल आई चाहिए तो हम एवरेज ले लेंगे सिमिलरली आउटफ्लो के लिए भी हम यहाँ पे आउटफ्लो का एवरेज ले लेंगे दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा चेंज इन स्टोरेज अपॉन चेंज इन टाइम कितना स्टोरेज में चेंज आया ठीक है भाई आई टू चेंज इन स्टोरेज तो है टाइम इसलिए एड कर रहे हैं क्योंकि सर देखिए ये जो आपकी चीज़ें ये डिस्चार्ज है मीटर के ऊपर सेकंड में है ठीक है तो ये हमारी बेसिक कंटेटिव इक्विजन हो गई एस मतलब टू S1 मतलब होता है स्टोरेज एट टाइम टी टू एस वन का स्टोरेज एट टाइम टी वन हमारे डैम के पीछे कितना पानी भरा हुआ है टी टू पर और कितना है टाइम वन पे तो ये हमारी हो गई बेसिक कंटेट इविजन इसको हम लोग याद कर लेंगे बाकी मोमेंटम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस तुमने पढ़ रखी हो कभी भूल जाओ अब हमें समझना है कि जो हम फ्लड राउटिंग करने वाले हैं फ्लड राउटिंग मतलब हम डाउन स्ट्रीम में फ्लड हाइड्रो को पता लगाने की कोशिश करने वाले हैं किसी भी तरह से लेकिन ये काम दो जगह हो सकता है एक तो रिजर्वा में हो सकता है जिसमें हमारा एक डैम बना हुआ है और या तो नदी में डायरेक्ट हो सकता है ठीक है रिजर्वर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है रिजर्वर में कई सारे मेथड्स हैं मॉडिफाइड पुल गुडरिट स्टैंडर्ड फोर्थ ऑर्डर रंगे कोटा मैथड कई सारे मेथड्स हैं ये तुम्हारे पहले दोनों ग्राफिकल मेथड हैं दूसरा ये न्यूमेरिकल मैथड इंपॉर्टेंट नहीं है भूल जाओ इनको लेकिन तुम एक बात समझ लो चाहे हम इस रिजर्वर राउटिंग करें चाहे चैनल राउटिंग करें सबके अंदर लगेगी कंटिन्यूटी इक्वेजन बस क्योंकि हम आगे बढ़ने ही वाले हैं सबके अंदर क्योंकि हम हाइडलॉजिक राउटिंग करने वाले हैं ठीक है हम यहाँ पे लिख भी देते हैं सबकी कौन सी राउटिंग करने वाले हैं हाइडलॉजिक अब सर कुछ तो बताइए कैसे करेंगे तो हम तुम्हें रिजर्वर नहीं पढ़ाएंगे रिजर्वर में से तीन मेथड हैं मॉडिफाइड पुल और गुरेज ने थोड़ा तरीका लगाया इनकी इक्वेश्स वगैरह यहाँ लिखी हैं टाइम मिले तो देख लेना ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में तुमसे पूछ लें तो ये लिखा हुआ है करते क्या है वो हम नहीं बताएंगे हम बताएंगे तुमको सीधे अब चैनल का मेथड रिजर्ववार अपना हो गया हाँ रिजर्वर में एक चीज़ जरूरी है ये ग्राफ बहुत ज़रूरी है ठीक है रिजर्वर में मेथड ज़रूरी नहीं है रिजर्वर में रिजर्वर की स्टोरेज करेक्ट्रिस्टिक्स ज़रूरी हैं ठीक है ऐसा देखा गया दो तीन चीज़ें हैं जो हम लोग को यहाँ से समझने की कोशिश करनी है ऑब्जर्वेशन हमको देखना है ठीक है हाँ ओसी फाली की वजह है मोमेंटम की सही कह रहे हो देखो ऐसा है आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ जग जो एकदम बहुत तेजी से बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है सर ये आपका देखिए ये इनफ्लो है ये सेक्शन वन दिख रहा है यहाँ पे रिजर्वर की बात हो रही है स्टोरेज की बात चल रही है ठीक है सर ये सेक्शन वन है यहाँ से पानी गया और धीमे धीमे कम हुआ पानी गया धीमे धीमे कम हुआ लेकिन अब इस पानी का इम्पैक्ट सेक्शन टू से कब दिखाई देने लगेगा यहाँ से जो पानी आपका इसके ऊपर से जाएगा डिस्चार्ज वो कैसा होगा ठीक है क्या उसकी पीक इससे ज़्यादा होगी देर में आएगी कम होगी ज्यादा होगी पहले आएगी कैसे पता चलेगा तो यही समझना देखो फिर आउटफ्लो हाइडोग्राफ का ग्राफ बनाया गया ये बन गया दूसरा तो ये हमारा कौन सा है ये हमारा इनफ्लो हाइड्रोग्राफ है ये हमारा आउटफ्लो हाइडोग्राफ है देखा गया दो बातें यहाँ समझ में आएगी पहली चीज देखा गया कि इनफ्लो की पीक जल्दी आ रही है आउटफ्लो की पीक देर में आ रही है देर क्यों लगी बता सकते हो ये लैग क्यों आया है रहा है इसकी पीक कहाँ है इसकी पीक कहाँ है लैग आया है लैग का मतलब क्या होगा टाइम डिफरेंस बिटवीन टू पीक्स क्योंकि जाहिर सी बात है जब वाटर यहाँ से यहाँ चल के जाएगा तो कुछ समय लगाएगा ना यार भाई समय लगे नहीं मिलेगा बताओ भाई देवता तो है नहीं चुटकी बजाय वहाँ से वहाँ पहुँच गए ऐसा तो होता नहीं है ठीक है पहली बात ठीक है लैग आ गया ये बात समझ में आती है दूसरी चीज़ तुम समझो सर आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि पीक वैल्यू में गिरावट भी आई है देखिए यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा है और यहाँ देखिए गिरावट आई है इस गिरावट को बोलते हैं रिडक्शन थोड़ा और कठिन कर लो एटीन्यूएशन ठीक है एटिन्यूशन मतलब चेंज चेंज हुआ है तो पीक में रिडक्शन हुआ है क्यों क्योंकि सर देखिए सिंपल सी बात समझिए जब पानी यहाँ पे आएगा तो सारा पानी यहाँ से निकलेगा नहीं कुछ पानी यहाँ स्टोर भी हो जाएगा कुछ पानी यहाँ पे स्टोर जरूर होगा समझ रहे हो समझे तो इसे हम बोलते हैं कुछ पानी यहाँ पे स्टोर हुआ तो इस वजह से सर क्या हुआ पीक आपके नीचे आ गई कुछ स्टोर होगा तो फिर निकलेगा ऑब्वियसली कम तो आपका पीक आएगा तो इसको देख सकते हो यहाँ पे रिस्चार्ज में कमी आई है बिकॉज ऑफ स्टोरेज सिंपल है बताओ एक चीज़ और देखने मिली कि आउटफ्लो में क्योंकि पानी थोड़ा धीमे धीमे निकल रहा है तो ये इफेक्ट थोड़ा लंबा चलेगा एज़ कम्पेयर टू देखो इसका टाइम बेस इनफ्लो वाले का कम है आउटफ्लो वाले का टाइम बेस ज़्यादा है ठीक है हाइड्रोग्राफ इनफ्लो और आउटफ्लो का एग्जाम्पल बता दीजिए बेटा इसका एग्जाम्पल कैसे बता दें अरे सेक्शन है तुम खुद से एग्जाम्पल सोचो तुम एक नदी में कहीं पे खड़े हो जाओ अमित ने पूछा है और यहाँ पे किसी अपने चाने को खड़ा कर दो अब एक बाढ़ यहाँ से आ रही है एक बाढ़ एक वेव यहाँ से आ रही है तो इस सेक्शन में तुम खड़े हो इस सेक्शन पे बताओ समय के साथ डिस्चार्ज धीमे धीरे बढ़ने लगेगा एकदम तेज़ी से और फिर घट भी जाएगा एक फ्लड वेव अगर आएगी तो इस सेक्शन पर डिस्चार्ज के लिए समय के साथ बढ़ेगी कि नहीं देखो डिस्चार्ज के लिए समय से बढ़ी फिर घट गई फिर यही मज़ा थोड़ी देर में सेक्शन टू में भी आएगा तो सेक्शन टू में भी अगर तुम डिस्चार्ज इस टाइम का ग्राफ बनाओगे सेक्शन टू मतलब आउटफ्लो मतलब इस जगह से इस जगह में पानी इन हुआ इस जगह में पानी इनफ्लो हुआ फिर इसी जगह से पानी आउटफ्लो हो जाएगा और जब पानी आउटफ्लो होगा तो हमको तब भी डिस्चार्ज का वेरिएशन देखने मिलेगा इसमें क्या कैसा एग्जाम्पल देते तुम तो बताओ बात समझ में आएगी नहीं आई आए? भाई एक नदी है एक टुकड़ा है सर रीच है उसमें पानी आएगा भी जाएगा भी जब आएगा तो भी डिस्चार्ज वेरी कर रहा था और जब जा रहा है तो भी डिस्चार्ज वेरी कर रहा है ये सेक्शन वन है सेक्शन टू है यहाँ से आया यहाँ से गया बस लेकिन बात यहाँ कि कांस्टेंट डिस्चार्ज नहीं है पानी बढ़ता है फिर घटता है पानी का फ्लो चेंज होता है ठीक है बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई अब तुम का हाइडोग्राफ कैसे बनता है यार तो हाइड्रोग्राफ तो यार अपना हाइड्रोग्राफ है देखो कोई एग्जाम्पल जैसे ये हाइड्रोग्राफ है ये इनफ्लो हाइड्रोग्राफ इस तरह से दिया रहेगा कि भाई शुरू में दस मीटर की उपथा अगले तीन घंटे में इतना हो गया छः घंटे में इतना डिस्चार्ज था तो अलग अलग डिस्चार्ज की वैल्यू है बस ये एग्जाम्पल है लेकिन आएगा तो इनफ्लो उसी जगह से चला जाएगा तो आउटफ्लो ठीक है ओके सर हाँ आप बता रहे थे स्टोरेज हाँ आ जाओ, यस लिखो बेटा मैं जल्दी पहले अब हम लोग बा, बात करते हैं बाकी लोग सर आप देख सकते हैं कि इनफ्लो हाइड्रोग्राफ ऊपर है आउटफ्लो नीचे कब तक इस पॉइंट तक देखो एक बात सुनना बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से बात सुन बताइए क्या तुम ये देख पा रहे हो कि आउटफ्लो की जो पीक आई है दिख रही कि नहीं आउटफ्लो की जो पीक आई है वो पीक जहाँ पे दोनों ग्राफ कट हो रहे हैं वहीं पे आइए सर जहाँ पे दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं मान लीजिए वहीं पीक आइए ऐसा नहीं कि सर ये है और आउटफ्लो की पीक पहले आ गई कट बाद में कर रहे है। हैं नहीं कट बाद में नहीं एकदम पीक पे कट कराओ एकदम पीक पे कट करो ये नोट कर पा रहे हो नहीं तुम लोग सब आप क्या कह रहे हैं सर क्या कह रहे हैं कि आउटफ्लो की जो पीक है वो जहाँ पे दोनों इंटरसेट कर रहे हैं तब आइए मतलब जब इनफ्लो आउटफ्लो बराबर हो जाते हैं इनफ्लो आउटफ्लो बराबर हो जाते हैं तब आपको मैक्सिमम पीक देखने को मिलती है कहाँ पे डाउन स्ट्रीम सेक्शन पे सेक्शन टू पे आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज देखने मिलेगा ठीक है सेक्शन टू पे आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज देखने मिलेगा जब दोनों इनफ्लो आउटफ्लो बराबर हो जाएंगे ऐसा इसका कारण है देखो एक्चुअल में क्या है यार देखो समझो यहाँ पे क्या इनफ्लो ज़्यादा है इनफ्लो ज़्यादा तो इनफ्लो के नीचे का जो एरिया हरी लाइन दिख रही है हरी लाइन हरी लाइन दिख रही है हाँ सर ये पूरा इनफ्लो का पूरा वॉल्यूम है ये ब्लू लाइन जो देख रहे हो ये तुम्हारा आउटफ्लो का वॉल्यूम है इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो कम है हरी लाइन ज़्यादा है ब्लू लाइन कम है इनको माइनस कर दोगे तो ये जो एरिया तुम देख रहे हो ये बीच वाला ये जो यहाँ पे पिंक पिंक डॉट बनी हुई है ये हमारा क्या है स्टोरेज है इतना पानी यहाँ स्टोर हो गया फंस गया भाई पानी आया ज़्यादा तेज़ी से गया धीमी तेज़ी से तो बीच में जो पानी फंसा वो यहाँ स्टोर हो जाएगा इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्टोरेज और ये पॉजिटिव स्टोरेज कब तक चलता है जब दोनों ग्राफ मिल नहीं जाते हैं अब इसके बाद क्या होगा इनफ्लो चला गया नीचे आउटफ्लो जा रहा है ऊपर तो आउटफ्लो ज़्यादा है पानी निकल ज्यादा रहा है तो इस केस में तुम देखोगे धीमे धीमे जो पानी स्टोर हुआ था वो घटना शुरू होगा तो ये हमारा नेगेटिव स्टोरेज है इतना नेगेटिव स्टोरेज आएगा ठीक है दोनों तो के बीच का एरिया में तो निकाली लेंगे हम लोग तो ये बात है मतलब जब तक आपका इनफ्लो आउटफ्लो बराबर नहीं होता तब तक आपको देखने को मिला कि स्टोरेज बढ़ता जा रहा है अब स्टोरेज बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के एकदम मैक्सिमम पहुंच गया स्टोरेज बढ़ बढ़ के पानी इकट्ठा हो के हो के पानी इकट्ठा मैक्सिमम लेवल पहुंचा फिर वो पानी धीरे धीरे कम होकर कम होके कम होकर वापस से अपना कम हो जाएगा और जब ये फ्लड वेव यहाँ से पास कर जाएगी तो तुम देखोगे कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पानी यहाँ ज़रूर स्टोर हो गया है ये पॉजिटिव स्टोरेज ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव स्टोरेज तो इतनी बात तुमको समझ आनी चाहिए ठीक है एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम लोग को याद रखनी चाहिए एग्जाम तुमसे पूछेगा वो क्या है वो ये है कि जब आउटफ्लो फ्रॉम द रिजर्वर इज़ अनकंट्रोल्ड मतलब जब हमारे डैम के ऊपर से पानी जो बह के आगे जा रहा है ना आउटफ्लो में उसमें आपने कोई गेट वेट नहीं लगाया है अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल खुला पड़ा है अपना जाता जा रहा है ठीक है तब उस केस में क्या होगा कि देन पीक ऑफ आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ आउटफ्लो की सर जो पीक आप देख रहे हैं यहाँ पे वो तब आएगी जब दोनों बराबर होंगे विल अकर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और उसी समय ठीक उसी समय आपका मैक्सिमम पानी स्टोर हो चुका होगा स्टोरेज इज मैक्सिमम एट दैट टाइम ठीक है क्योंकि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल टू डी एस वाई डी टी अब स्टोरेज जब आपका मैक्सिमम है तो डी एस डीएसआई डी टी जीरो होगा तो ऑफिस जो ये ज़ीरो होगा तो इनफ्लो आउटफ्लो बराबर हो जाएगा तो तुमको यहाँ पे याद रखना है कि जब इनफ्लो आउटफ्लो बराबर हुए हैं तो आपका स्टोरेज मैक्सिमम है और आउटफ्लो का डिस्चार्ज मैक्सिमम है ठीक है आउट ये बातें याद रखें ये हमारी स्टोरेज करेटेस्टिक्स है जो हम लोग याद कर सकते हैं ठीक अब जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है ये निकाल बता सकते हो कि नहीं अब ये क्वेश्चन गेट का ही है सर अभ्यास हो इसकी वीडियोस यूट्यूब पर होंगी बेटा टेंशन मत लो अभी कुछ वीडियो आने दो तो तब तो, तो, तो प्लेस बनेगी एक वीडियो में थोड़ी प्लेस बनाई जाएगी कुछ वीडियो वीडियो बढ़ने दो अभी पहले ठीक है बेटा बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा इसमें सही बता रहे हैं सब चलो बढ़ते हैं आगे फ्लड वेव यहाँ से पास हुई एक बड़ा सा अनकंट्रोल्ड देखो कंट्रोल कर लोगे ना अगर अगर गेट वेट लगा दोगे देखो एक बात समझ आनी चाहिए अगर यहाँ पे मान लीजिए सर जब पानी यहाँ से बाहर जा रहा है यहाँ गेट लगा दिया तो गेट बंद कर दिया पानी बाहर ही नहीं जा रहा हाँ है डिस्चार्ज तुम्हारे हाथ में आ गया पूरा ये डिस्चार्ज तुम बढ़ा दो कम कर दो अनकंट्रोल होगा तब ये चीजें याद रखनी है ठीक है कंट्रोल कर लिया तो, तो अपना डिस्चार्ज हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं हम गेट उठा देंगे बढ़ा देंगे उस हिसाब से पानी जितना चाहे निकाल दें ठीक है तो एक बात तय है सर कि जो आपका आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ होता है उसकी पीक रिड्यूस्ड पीक होती है और टाइम बेस बढ़ा हुआ होता है ये इनफ्लो आपका था आउटफ्लो का सर पीक कम होगी और दूसरी बढ़ी हुई होगी बेस टाइम ज़्यादा होगा ठीक है सही बात हम्म चलो भाई अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि एटिनेशन पता करो ये पता करो वो पता करो ग्राफ पूरा बना हुआ है ये ये तुम्हारा जो पहला ग्राफ यहाँ देख रहे हो ध्यान देना थोड़ा सा ये जो पहला ग्राफ यहाँ दिख रहा है तुम्हें ये तुम्हारा इनफ्लो का है और ये दूसरा हाइड्रोग्राफ जो जा रहा है ये तुम्हारा आउटफ्लो का है ठीक है थोड़ा गलत हो गया है ये वाला ये तुम्हारा आउटफ्लो का तो इनफ्लो आउटफ्लो बना हुआ है बाकी एटोनेशन बताना आप देखो सब कुछ लिखा हुआ है देखो इनफ्लो का पीक कितना तुम खुद देखो यार सौ और आउटफ्लो का पीक कितना है साठ तो यार एटोनेशन मतलब रिडक्शन कितना हो गया सर सौ आपका इनफ्लो का है साठ आपका आउटफ्लो का है तो कितना डिस्चार्ज में कमी आई चालीस निकाल लो नहीं सर क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा आसान है लैग देखो लैग क्या है सर देखिए आप कह रहे हैं इनफ्लो की पीक चार घंटे में सब कुछ ग्राफ में लिखा हुआ है ठीक है आपकी जो इनफ्लो है उसकी पीक चार घंटे पे और जो आउटफ्लो है वो आ रहा है दस घंटे पे ये छः घंटे गैप क्यों आए क्योंकि पानी को वहाँ से यहाँ पर आने में समय लगेगा लैग तो लैग कितना हो रहा है सर छः घंटे का दस में से चार माइनस कर दिया आसान इस तरह क्वेश्चन हो जाएंगे नहीं गेट में एटिनेशन क्या है लैग क्या है ठीक है हम्म हाँ छः घंटे बता रहे हो चले चलो बिल्कुल सही है तो ये हो गया अब अगला पूछ रहा है कि शुरू के चार घंटे में स्टोरेज क्या होगा देखो अगर हमको स्टोरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे हम दोनों ग्राफ के बीच का रहे अब जैसे चार है यहाँ पे तो देखिए इनफ्लो का हाइडोग्राफ तो ये रहा आपका पूरा और आउटफ्लो का ये रहा तो ये पूरा और इस पूरे के बीच में गैप निकालेंगे जो व्हाइट वाला देख रहे हो यही स्टोरेज है तो हमने क्या करा हाफ़ बेस कितना चार घंटा हाइट कितनी सौ तो हाफ इंटू चार इंटू सौ करा ये तो एरिया आ गया इनफ्लो के अंडर में फिर एरिया आउटफ्लो में क्या हाफ इंटू चार इंटू अच्छा ये कितने देखो ये साठ है तो ये चौबीस होगा ये सिमिलरिटी से निकलता है यार सिमिलरिटी जानते हो नहीं सिमिलैर ट्राइंगल भाई दस पे हमारी वैल्यू कितनी है साठ दस वाली कितनी साढ़ तो चार पे कितनी होगी तो क्यू ओ पॉइंट सिक्सटी चार पॉइंट दस यहाँ से इतना तो कर लोगे यार इतना तो सिमिलरिटी तो जानते ही हो तो ये चौबीस निकल के आएगा तो हाफ इंटू चार इंटू चौबीस हाफ इंटू चार इंटू चौबीस करा माइनस किया अब क्योंकि सर आपका चार घंटे में ये घंटे में है और ये मीटर के ऊपर सेकंड है तो आंसर आपका घंटा इंटू मीटर के ऊपर सेकंड आ जाएगा वन फिफ्टी टू तो ये आपका स्टोर्ज होगा इस आवर को तुम कन्वर्ट करके सेकंड में छत्तीस रख के सेकंड सेकंड काट के मीटर क्यूब में आंसर निकाल सकते हो तो चार घंटे में सर इतना पानी बढ़ जाएगा और अगर तुमसे बोले दस घंटे कितना पानी पड़ जाएगा तो तुम ये एरिया निकाल दो ये भी एरिया निकाल दो है ना जैसे यहाँ पूछा मैक्सिमम स्टोरेज क्या होगा अगर हमको मैक्सिमम स्टोरेज निकालना है तो हमें इस जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं उसके बीच का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा अब मैक्सिमम स्टोरेज निकालेंगे हमको बीच का पूरा एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे हम पहले तो इतना ही एरिया निकाल लेंगे यही जो अभी तुमने निकाला है ना या एक काम करते हैं देखो इसको ऐसा कर लेते हैं हम लोग एक काम करते हैं कि पहले जो इनफ्लो हाइड्रोग्राफ है ना ये इन्फ्लो हाइड्रोग्राफ है यहाँ तक का इसका एरिया निकालते हैं और फिर अपना आउटफ्लो का एरिया निकालते हैं और दोनों कर देंगे माइनस तो जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसके बीच का जब एरिया निकाल लेंगे तो उनको मैक्सिमम स्टोरेज ऑटोमेटिक तो इनफ्लो का सर एरिया आप देखिए यहाँ पे ये यह सौ तक गया फिर साठ साठ तक आ गया ठीक है साठ साठ इसलिए क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये साठ है ये साठ लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक है तो अब हम हम यहाँ पे इसका एरिया निकालेंगे टोटल तो हाफ इंटू चार इंटू सौ प्लस ट्रेपेजॉर्ड का एरिया क्या हाफ इंटू समल साइड्स इंटू डिसम छः तो ये आ गया छः सौ अस्सी आप हम आउटफ्लो का हेडोग्राफ का एरिया निकालेंगे जो कि कितना है सर हाफ इंटू दस इंटू साठ आउटलो का हाफ इंटू दस इंटू साठ कितना तीन सौ दोनों को माइनस कर दो तो हमको मिल जाएगा मैक्सिमम स्टोरेज ठीक है आर को तुम अगर सेकंड अकाउंट कर दो तो तुमको बता जाएगा भाई इतना पानी स्टोर हो जाएगा मैक्सिमम देखो धीमे धीमे हमारे डैम में जाके पानी स्टोर होता 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 मैक्सिमम हो जाएगा कितना इतना इतना हो जाएगा और फिर धीमे धीमे बाद में फिर घटना शुरू होगा तो जितना अभी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है सर उतना ही फिर धीमे धीमे घट घट के कम भी होगा ठीक है बाद में कम भी होगा लेकिन आप फिर भी देखेंगे एंड में कुछ ना कुछ स्टोरेज हमारा रह गया है तो बताओ इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा फिर हम लो लोग पढ़ते हैं हाइड्रोलॉजिकल चैनल राउटिंग में एक बार हम फिर से तुम्हें रिवाइज़ करा देते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे देखो हमने तुम्हें पहले ही बताया कि हम तुमको सिर्फ हाइडलॉजिक राउटिंग बताएंगे हाइडोलॉजिक हम लोग जो राउटिंग कर रहे हैं हम लोग जो डाउन स्ट्रीम में फ्लड हाइडोट बनाना चाहते हैं वो दो केसें बन सकता है कंटिन्यूज का यूज़ करके या तो रिजर्वायर में या तो चैनल में रिजर्वायर की जो स्टोरेज करेटिस्टिक बता दिया मैथड्स ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं तो इसे छोड़ रहे हैं अब बढ़ेंगे कहाँ चैनल में चैनल राउटिंग में ठीक है चैनल राउटिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मस्किंगम ने दिए और उसी से एग्जाम में गेट में क्वेश्चन जल्दी बनते हैं ठीक है तो पहले तो ये वाला हो गया कि नहीं यहाँ पर एक बार यस लिख दो फिर बढ़ते हैं इतना समझ आ गया सर पूरे इन्फ्लो में से आउटफ्लो के सोलह आवर्स तक पूरे इन्फ्लो में से तब भी नहीं बेटा नहीं गलत इधर देखो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सुन लो बात हमारी कान खोल के अक्शे जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं तक मैक्सिमम होगा ये देखो जहां पे इंटरसेट कर रहे हैं वहीं मैक्सिमम होगा क्योंकि इनफ्लो आउटफ्लो जब बराबर होगा तभी डी एस डीएसपीडी जीरो होगा डीएसपीटी जीरो का मतलब तो हमें पता है कोई भी चीज जो मैक्सिमम होती है तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होता है ठीक है तो इनफ्लो आउटफ्लो जहां बराबर होंगे जहां इनफ्लो आउटफ्लो बराबर होकर इंटरसेट करेंगे वहीं तक मैक्सिमम स्टोरेज होगा तो जहाँ कट कर रहे हैं उसके बीच तक का एरिया निकालो ये नहीं यहाँ तक का तो थोड़ी दस घंटे तक निकाल है हैं सोलह घंटे तक नहीं यहाँ तक जहाँ कट कर रहे हैं उसके पीछे के बीच का एरिया जहाँ कट कर, कर रहे हैं जहाँ बराबर है तभी यहाँ पे देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर जहाँ कट कर रहे हैं ये पॉइंट पे इसके पीछे तक का एरिया हमने बीच में निकाला ठीक है क्लियर है भाई बताओ ठीक है सब लोग लिख लिखने जरूरी बात है भाई बता दो ये बात समझ में आ गई है ठीक है चलो भाई बढ़ते हैं हम लोग अपने फ्लड राउटिंग के आके टॉपिक चैनल राउटिंग जो है आउटफ्लो के सिक्सटीन आवर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना आउटफ्लो के सिक्सटीन आवर्स आउटफ्लो में कहीं सिक्सटीन देखो है ही नहीं पहली बार समझो देखो आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ जो है यहाँ तुम देखो ये जा रहा है ये जा रहा है इसमें कहीं सिक्सटीन नहीं है इनफ्लो हाइड्रोग्राफ ये जा रहा है ये जा रहा है उसका बेस टाइम सिक्सटीन है जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके बीच तक का ही निकाला है ठीक है सिक्सटीन बेस टाइम है इनफ्लो का और बीस घंटे बेस टाइम है आउटफ्लो का ठीक ग्राफ में बताया जाता है क्योंकि हर चीज पता रहेगा कौन सा कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है अब आ जाओ हाइड्रोलॉजिकल चैनल राउटिंग में हमने तुमको बताया कि हम हाइडोलॉजिक राउटिंग ही पढ़ाएंगे तुम्हें जिसके अंदर सिर्फ कंटिन्यूटी यूज करेंगे ठीक है तो उसमें रिजर्वर हो गया अपना रिजर्वर का बात करता खत्म हमें मेथड से मतलब नहीं आपने स्टोरेज करेक्टेस्टिक्स हमको समझा दी एडमिशन लैग और ये सब क्या होता है ये हमको समझ में आ गया इसमें कोई दिक्कत नहीं अब बात करेंगे चैनल में क्या होगा सर आपने रिजर्वर तो समझा दिया रिजर्वर में आपने समझा दिया तो इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया मस्किंगम ने बहुत ही बढ़िया सा वो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं ठीक है थीके? ये जूम जूम होता है कि नहीं होता है अरे वाह बहुत बढ़िया जूम होता है है ना ठीक है काफ़ी बड़ा हो गया बस बहुत सही है इतना इसको समझते हैं थोड़ा सा ठीक है यहाँ पे तुम देखो जब भी आ, जब भी कह सकते हैं बाढ़ आती है अपने चैनल को देखेंगे अब हमें सो हम रिजर्वर के दिमाग से ठीक है डैम ख़त्म चैनल आ गई नदी आ गई नदी का हमने एक हिस्सा लिया एक रीच लिया स्टार्टिंग से एंड तक एक मतलब एक बीच का टुकड़ा लिया आधा किलोमीटर का सौ मीटर का ये टुकड़ा यहाँ दिख रहा है हमें नदी का ठीक है आइसोमेट्रिक व्यू तो आराम से में आ रहा होगा अब इसमें जब कभी यहाँ से एक फ्लड वेव पास करेगी तो इसमें दो प्रकार के स्टोरेज देखे गए पानी के दो स्टोरेज देखे गए एक प्रिज स्टोरेज नीचे वाला जब दिख रहा है और एक हमारा वेज स्टोरेज ऊपर का एक टुकड़ा दिख रहा है यहाँ देखो तो समझ में आएगा इस डायग्राम को देखो जो एकदम कॉन्स्टेंट स्टोरेज देखो बेड स्लोप के पैल जो अगर एक लाइन खींच दे और यहाँ जो पानी भरा हुआ है पानी स्टोर हुआ हुआ है उसे बोलते हैं प्रिज स्टोरेज और जो पानी इसके ऊपर एक्स्ट्रा स्टोर है ठीक है यहाँ तुम देख सकते हो जैसे ये वाला देख रहे हो लाइन ये जो नीचे लाइन जा रही है यार जैसे यहाँ पे लाइन बनाते हैं तो ये तुम्हारा प्रेज स्टोरेज है ठीक है और जो ऊपर पानी निकला हुआ एक्स्ट्रा वो हमारा वेज है ठीक है ये देखो ये जो नीचे लाइन जा रही है ये जो नीचे लाइन जा रही है अपनी ठीक है ये हमारी क्या है इसके नीचे जो पानी वो आ रहा है फ्रिज में और उसके ऊपर जो पानी एक्स्ट्रा वाला वो आ रहा वेज स्टोरेज है ठीक है अब वेज स्टोरेज पॉजिटिव है यहाँ देखो ठीक है अब इसमें करते क्या है ना इसमें जो तुम्हारा एक्चुअल सरफेस हो रहा होता है उसमें एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े तक लो ठीक है अब जैसे इसमें हम पेल लाइन बनाते कैसे हैं तुम एक चीज़ और समझो ये पैल लाइन बनाई कैसे जाती है जैसे मान लीजिए सर पानी सिर्फ मॉर्निंग सर्फेसा आपने यहाँ शुरू करा तो आपने यहाँ से एक पैल लाइन खींचना शुरू करा यहाँ से एक पेल लाइन आपने खींचना शुरू करा ठीक फिर आप इस पहले लाइन के क्रस्म उसके ऊपर आप एक्चुअल वाटर सर्फेस ये एक्चुअल में पानी कहाँ है ये एक्चुअल वाटर सर्फेस है और ये आपकी पैल लाइन है जो कि बेड्स लो के पैदल रहेगी तो बेड्स लो के पैल जो लाइन आएगी उसके नीचे प्रिज्म और ये उसका हो गया वेज स्टोरेज ठीक है अब सर आप मान लीजिए यहाँ पे हैं इस सेक्शन तक आप पहुँच गए आप यहाँ से फिर से प्रिज्म स्टोरेज बनना चाहते हो तो आप यहाँ से इस सर्फेस के पैदल एक लाइन खींच दीजिए ठीक तो इसके नीचे प्रिज्म उसके ऊपर वेज हो जाएगा फिर आप यहाँ तक मान लीजिए बना लिए एक एक किलोमीटर का स्ट्रेच ले रहे हैं पाँच सौ पाँच सौ मीटर ले ले जा रहे हैं फिर आप चलिए इसका कैलकुलेशन हो गया अब इधर आ जाइए फिर आप खींच दी लाइन और ये आपका एक्चुअल अब इसमें देखा एक्चुअल नीचे आ गया तो ये आपका नेगेटिव वे स्टोरेज होएगा क्योंकि अगर आपको एक्चुअल पानी की वॉल्यूम निकालनी है तो प्रिंट स्टोरेज माइनस वेज स्टोरेज करना पड़ेगा तो आपको एक्चुअल वाटर मिलेगा यहाँ टोटल निकालना तो क्या हो जाएगा प्रिंट स्टोरेज प्लस वेज स्टोरेज ठीक है तो ये तुम समझ सकते हो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है ठीक है तो हमारा कुल मिला के साथ समझ में आ गया हमको बात कि हमारे जो स्टोरेज हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं ठीक है अब उम्मीद करें बात समझ में आ गई होगी ठीक है तो इन शॉर्ट हमारी नदी में जब हम कोई एक रीच को कंसिडर करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं दो स्टोरेज एक प्रिज्म स्टोरेज एक वेज स्टोरेज प्रिज्म स्टोरेज सिर्फ आउटलोक फंक्शन है ठीक है अगर आप सिर्फ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट फ्लो की बात करें तो सिर्फ आउटलोक फंक्शन है मतलब यहाँ से जब पानी निकलता रहेगा ठीक है, है जो पानी यहाँ से निकल रहा है उसी पर आपका ये प्रिज्म स्टोरेज है कॉन्स्टेंट वाला डिस्चार्ज डिपेंड करेगा और जो वेज स्टोरेज है ये जो आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव वो डिपेंड करेगा कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो में गैप कितना है भाई आपका जो इनफ्लो आ रहा है और आउटफ्लो जो जा रहा है उसमें डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से टुकड़ा होगा भाई इन आउटफ्लो में गैप नहीं होगा तो वेज नहीं देखने को मिलेगा ठीक है अगर इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से पानी आ ज़्यादा रहा है जा कम रहा है इस समय तो पॉजिटिव टुकड़ा आपको देखने में मिलेगा पॉजिटिव टुकड़ा मतलब वेज ठीक और इनफ्लो अगर कम है तो आपको नेगेटिव वेज स्टोरेज देखने को मिल सकता है ठीक है इनकी डेफिनीशंस यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रिज्म और प्रिज्म का मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो स्टोर हो रहा है इन द रीच इफ फ्लो वर यूनिफॉर्म थ्रू आउट यूनिफॉर्म मतलब उसका जो लेवल है वो कॉन्स्टेंट रहे वाटर सर्फेस लाइन जो रहेगी वो पैल टू बेड लाइन रहेगी तो उसको हम प्रिज्म बोलते हैं लेकिन वॉल्यूम वाटर जो स्टोर हो रही है उस पैलल लाइन और एक्चुअल वाटर सर्वे प्रोफाइल के बीच में पैला लाइन और एक्चुअल वाटर सर्वे प्रोफाइल के बीच में ये तुम्हारी एक्चुअल वाटर सर्विस प्रोफाइल है लाइन है इसके बीच में जो पानी स्टोर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेज स्टोरेज ठीक है तो कुल मिला हम समझ गए इसका जो स्टोरेज है हमारा दो स्टोरेज है नदी में एक हो गया प्रिज्म जो यूनिफॉर्म वाला है और एक हो गया वेज जो एक्स्ट्रा वाला है तो अब प्ले स्टोरे है सर क्योंकि आपका सिर्फ आउटलुक का फंक्शन है तो क्यू की पावर एम एक कॉन्सनेट लगाया और यहाँ पे सर हम ये वेज हमारा इन्फ्लूमेंट आउटलो का फंक्शन है एक कॉन्सनेट लगाया बाकी के एक्स यहाँ पे आ गया ठीक है ये एक्स जो है हमारा इस एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं ये एक्स हमारा एक फैक्टर है जो वेज के शेप पर डिपेंड करता है वेज के शेप पर हमारा फैक्टर ये डिपेंड करेगा अगर हम इसी को अब इसी में तुम देखो एम को अगर हम वन कर दें ये जो एम है ये जनरली नेचुरल चैनल जो हमारे ओपन चैनल होते हैं उसके लिए एम के लिए वन कर देते हैं वरना अगर हमें तो रेक्टेंगुलर चैनल होंगे तो उसके लिए पॉइंट सिक्स होगा लेकिन हम लोग ओपन चैनल फ्लो की बात करते हैं तो एम ये वन कर इंको इंको देंगे तो हमारा सिंपल ये फॉर्मला बन जाएगा ठीक है के क्यू प्लस एक्स वन वन भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कुमला के स्टोरेज जो होता है वो इनफ्लो आउटफ्लो दोनों का फंक्शन होता है स्टोरेज वेज स्टोरेज इनफ्लो आउटफ्लो दोनों को डिपेंड करता है ठीक ये के एक्स क्या है इनको समझ लेंगे आई और क्यू तो तुमको पता ही है ये फाइनल इक्वेशन बनी लेकिन इसमें हमने क्या करा हमने आई एक तरफ ले लिया एक्स आई एक तरफ ले लिया और क्यू वाला टर्म एक तरफ ले लिया तो एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स क्यू हो गया आई एक तरफ क्यू एक तरफ तो हमें समझ गए स्टोरेज हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों का फंक्शन है ठीक है एक्स को बोलते हैं वेइंग फैक्टर जो कि वेज के शेप पर डिपेंड करता है ठीक है के हमारा क्या होता है यहाँ पे स्टोरेज टाइम कॉन्स्टेंट होता है जिसकी डायमेंशन टाइम होती है देखो यार ये हमारा मीटर क्यू पर सेकेंड है ये मीटर क्यू पर सेकेंड है के एक यूनिट सेकेंड में हो गया टाइम में तो हमको स्टोरेज नहीं मिलेगा मीटर क्यूब में ठीक तो के हमारा स्टोरेज टाइम कॉन्स्टेंट हो गया अब तुम यहाँ पे देखो अगर एक्स जीरो हो गया इसका मतलब हमारा स्टोरेज इनफ्लो पर डिपेंड नहीं कर रहा अगर एक्स जीरो हो गया तो हमारा जो एस है यहाँ पे क्या हो जाएगा के क्यूँगा ये जीरो कर दो तो स्टोरेज सिर्फ आउटलुक फंक्शन होगा और उस केस में एकदम पैल हो जाएगा प्रिज्म जैसा हो जाएगा तो फिर उसको हम लीनियर स्टोरेज या लीनियर रिजर्वर बोलेंगे तब वो रिज़र्वर की तरह बिहेव करने लगेगा ठीक है तो हमारा वो चैनल जो है वो रिज़र्वर की तरह बिहेव करेगा जनरली ऐसा नहीं होता है ठीक है तो तुम समझ सकते हो जैसे जैसे हमारी एक्स के लिए जीरो है तो वो हमारा सिर्फ आउटलो डिपेंड करेगा वो अभी रिज़र्वर की तरह बिहेव करेगा ठीक लेकिन जैसे जैसे इस एक्स की वैल्यू हम लोग बढ़ा बढ़ा के जीरो से पॉइंट फाइव जीरो लेके जाएंगे तब वही प्रिज्म हमारा पूरा का पूरा वेज में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो वही आपका जो कॉन्स्टेंट रिजर्वर टाइप का था वो आपका पूरा का पूरा आप कह सकते हैं वेज में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब इन शॉर्ट हमको ये इक्वेजन यहाँ से थोड़ा सा याद रखनी है बस बात खत्म ठीक अब हमारे आते हैं मस्किंगम साहब तो मस्किंगम साहब ने पूरा मैथड बनाया बहुत सारी इक्वेजन विक्विजन दी है पूरा दिमाग तुम्हारा घूम जाएगा एकदम यहाँ पे अब क्योंकि एग्ज़ाम में आया भी है तो उसको समझना ही पड़ेगा ठीक है तो मस्किंगम ने एक मेथड दिया राउटिंग का इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है जो चैनल का सेक्शन लिया तुमने उसमें एक राउटिंग इंटरवल डेल्टा टी सेलेक्ट करो और मस्किंग का इक्वेशन का यूज़ करो ये तो तुम्हारी बेसिक कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये मस्किंग का इक्वेशन है यहाँ पर यह मस्किंगम इक्वेशन बनती कैसे है तुम्हारी जो बेसिक अभी तुमने पीछे यहाँ पे इक्वेशन निकाली ना ये इस इक्वेशन को टाइम वन और टाइम टू पर यूज़ करो और माइनस करो टाइम और टाइम टू पर यूज़ करके अगर माइनस करो तो ये बनेगा ये तुम्हारी कंटिन्यूटी इक्वेशन तो कंटिन्यूटी इक्वेशन और जो पीछे तुमने स्टोरेज वाली टाइम वन टाइम टू पर यूज करके माइनस करके बनाई इन दोनों को सॉल्व करके फाइनली मस्किंगम की ये इक्वेशन बन जाती है ठीक है जिसमें तुम्हें, तुम्हें आउटफ्लो टाइम टू पे मिल जाता है जिसमें तुम्हें आउटफ्लो या डिस्चार्ज टाइम टू पर मिल जाता है बस शर्त यहाँ पे यह है कि इनफ्लो एट टाइम वन इनफ्लो एट टाइम टू और आउटफ्लो एट टाइम वन पता टा हो और यहाँ पे तीन कांस्टेंट है सी नॉट सी वन सी टू इसको हम बोलते हैं मस्किंगम कोफिशियंट्स जिनकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है वैल्यू बहुत आसान है डिनोमिनेटर में आसान तो नहीं है फिलहाल याद करनी पड़ेगी डिनोटर में के माइनस के एक्स प्लस पॉइंट फाइव डेल्टा टी है हर जगह देख लो के बताया था अभी स्टोरेज टाइम एक्स बताया था वेइंग फैक्टर ठीक है डेल्टा टी राउटिंग इंटरवल अभी कैसे यूज़ करेंगे बताते हैं तो डिनोटर देख लो के माइनस के प्लस पॉइंट फाइव डेल्टा टी सब जगह सेम है यहाँ 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 ऊपर माइनस के एक्स प्लस पॉइंट फाइव डेल्टा टी यहाँ पे प्लस के एक्स इसी का यहाँ प्लस कर दो और यहाँ पे दोनों जो में जितने टर्म्स हैं सब माइनस में कर दो तो ऊपर आ जाएगा ठीक है तीनों ही कॉन्स्टेंट को अगर जोड़ दोगे तो वन आएगी वैल्यू सी नॉट प्लस अब जैसे गेट में क्वेश्चन आया था सी वन सीट हो दिया सी, सी नॉट निकाल रहे हैं तो निकाल लोगे ठीक है और अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो डेल्टा टी की वैल्यू इनके बीच में रहनी चाहिए टू के एक्स और के के बीच में रहेंगी तो अच्छा रहेगा अब करते क्या है वो बता दीजिए सर ठीक है एक क्वेश्चन कराइए है। नहीं हैच एरिया आउटलुक अफेक्ट करेगा ऐसा नहीं है ये नहीं है जो हैच एरिया है वो डिपेंड कर रहा है जो बीच वाला एरिया है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर कि इनफ्लो और आउटलुट में गैप कितना अगर इनफ्लो ज़्यादा आया है आउटफ्लो कम हो पा रहा है तो हैच एरिया बड़ा होगा ये बताना चाह रहे थे ठीक है जो इन हैच एरिया है सर वो आपका इनफ्लो माइनस आउटफ्लो के डिफरेंस पर डिपेंड करता है ठीक है सर अब आप हमको बताइए क्या स्टेप्स होते हैं मस्किंग के क्वेश्चन हमको जानना है बहुत सिंपल तरीके से हमको समझाइए ताकि हम समझ सकें ठीक अब देखो क्वेश्चन में जनरली तुमको क्या दिया है तुम सबसे पहले तुमको एक डेल्टा टी की वैल्यू चूज करनी पड़ेगी देखो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की आप थोड़ा ध्यान दो अब समझ जाओगे कुछ भी नहीं है अब हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे पाँच मिनट बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा गेट में आया हुआ क्वेश्चन है जो हम कराने जा रहे हैं इसके बाद देखो ऐसा है कि हमको इन्फ्लो हाइड्राफ दिया गया है क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे सर हमको इन्फ्लो हाइड्राफ पूरा का पूरा दिया जाएगा मतलब सेक्शन वन पे क्या हुआ सब पता है हमें भाई जीरो टाइम पे दस था मिनट डिस्चार्ज तीन घंटे में इतना था छः घंटे सब डिस्चार्ज पता इनफ्लो मतलब पूरा दिया है ठीक है मतलब सर जो आप ग्रीन वाला देख रहे हैं ये ये पूरा मेरे हाथ में है बस ये वाइट वाला मुझे नहीं पता ये वाइट वाला मुझे नहीं पता मुझे आउटलो पे क्या है मुझे पता लगाना है अब कैसे पता लगाएंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक डेल्टा टी चूज़ करेंगे ठीक है और के और एक्स तुमको ये सब दिया रहेगा और डेल्टा जी को ऐसे चूज़ करना है किसके बीच में रहे तो हमने अपने क्वेश्चन के अंदर जैसे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने डेल्टा टी को तीन घंटे लिया और हमने ये भी इंश्योर किया कि जो डेल्टा टी है वो के और टू के एक्स के बीच में है के हमारा क्वेश्चन ने दिया देखो छे घंटा एक्स दिया है पॉइंट टू तो के हमारा सिक्स है और टू के एक्स निकालो टू इंटू के छह इंटू पॉइंट टू टू पॉइंट फोर तो देखो तीन तुमने जो टाइम चूज किया है वो टू पॉइंट फोर और सिक्स के बीच में है वो टू पॉइंट फोर और सिक्स के बीच में है तो बढ़िया है स्टेप वन समझ गए नहीं बताओ स्टेप वन समझ गए आपने बोला कि हमारे क्वेश्चन में इनफ्लोहाइड्रोप दिया गया है सबसे पहले एक राउटिंग इंटरवल चूज करो राउटिंग इंटरवल तीन घंटा इसका मतलब क्या है देखो तीन घंटे का मतलब यहाँ पे यह है कि सर आपका मतलब यहाँ पे यह है कि आपका इनफ्लो का हाइड्रोग्राफ पूरा बना हुआ है अब आउटफ्लो का हाइड्रोग्राफ बनाना है वो हमारे पास है नहीं शुरुआत में दोनों को मान लीजिए सेम है ठीक है शुरुआत में दोनों मान लीजिए सेम है तो अगर तीन तीन घंटे बाद आप आउटफ्लो की हाइड्रोग्राफ की वैल्यू निकालते जाइए तीन तीन घंटे तीन घंटे में निकाली छह घंटे में निकाली फिर नौ घंटे में निकाली इस तरह से फिर उनको जोड़ के आप एक ग्राफ बना देंगे जिसको हम आउटफ्लो बनेंगे मतलब हर तीन तीन घंटे बाद हर तीन तीन घंटे बाद आउटफ्लो डिस्चार्ज की वैल्यू क्या क्या आएंगी उसको आप निकालते जाइए मस्किंगम इक्विजन से और आंसर निकल के आ जाएगा ठीक है मस्किंग इक्विजन कौन सी है ये जिसमें हम आउटफ्लो डिस्चार्ज निकालेंगे इस इक्विजन का यूज़ करके I1, I2, आई टू ओवन यूज़ कर लेंगे सी नॉट सी वन सी टू कोवेशन निकालेंगे और फिर हमको आउटलोड डिस्चार्ज मिल जाएगा तो हर तीन तीन घंटे बाद हर तीन तीन घंटे बाद हम आउटफ्लो डिस्चार्ज की वैल्यू निकाल निकाल के पॉइंट लगा देंगे और फिर उसको जोड़ देंगे अल्टीमेटली हमको आउटफ्लो का हाइड्रॉफ़ चाहिए कैसे करेंगे ठीक है फिर हमको अब क्या करना है हाँ बस के और एक्स तो क्वेश्चन में दिया गया था डेल्टा टीम हमने निकाल लिया यहाँ देखो के और एक्स क्वेश्चन में दिया था डेल्टा टीम निकाल लिया तो अब हूनों कोेश्विशन सी नॉट सीवन सी टू निकालेंगे एग्जाम में तुमसे सीधे पता क्या बोल सकता है क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बोलेंगे कि भैया मस्किंगम क्वेश्चन सी नॉट निकाल दो यही बोल दिया क्वेश्चन में जैसे देख लो यहाँ पे सॉल्व किया सारा हमने ये सी नॉट है सीवन है सी टू फॉर्मला लिखा है सब देखो डिनोमिनेटर तीनों में से थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है क्योंकि तुमको पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा सॉल्व करने को एग्ज़ाम में मस्किंगम कोफिशन से क्वेश्चन पूछे गए रिसेंटली तो सी नॉट सी वन सी टू तुम यहाँ देख सकते हो डिनोमीटर सबका सेम है यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ सारा माइनस इसी का पूरा माइनस ठीक है इस तरह से याद कर सकते हो एग्ज़ाम में सी नॉट पूछ ले मान लो तुमसे सिर्फ ठीक है राउटिंग इंटरवल होता क्या है कि हर तीन तीन घंटे बाद हर राउटिंग इंटरवल बाद हम लोग आउटफ्लो डिस्चार्ज पता लगाएंगे उसको प्लॉट करते जाएंगे और फिर सबको जोड़ के आउटफ्लो हाइड्रो बना देंगे ठीक है बेटा से राउटिंग इंटरवल का मतलब राउटिंग का मतलब क्या है प्रिडिक्टिंग आउटलो हाइड्रोग्राफ अब आउटलो हाइड्रोग्राफ प्रडिट करना है तो मैं हर तीन तीन घंटे बाद या जो भी राउटिंग इंटरवल होगा छः घंटे दस दस घंटे उतने घंटे घंटे बाद हम डिस्चार्ज को प्रिडिकट कर लेंगे यूजिंग मस्किंगम इक्विजन लेकिन मस्किंगम इक्विजन तभी लगा पाएंगे जब पहले कॉन्स्टेंट आए कॉन्स्टेंट रटो बेटा ये पूरे निकाल लोगे कि नहीं बताओ के की वैल्यू छः थी एक्स के लिए पॉइंट टू थी डेल्टा टी ती हमारा तीन था ठीक है डेल्टा टीम ने तीन चुना अभी राउटिंग इंटर मतलब कि उतने उतने देर बाद हम आउटलो की पीक या आउटलो का डिस्चार्ज लगाने की कोशिश करेंगे उतनी उतनी देर बाद हम आउटलो की डिस्चार्ज को पता लगाने की कोशिश करेंगे यूजिंग मस्किंग ऑक्जन पहले इसमें लिखो और नो। ये सनो ये वैल्यूज याद हो गई कि नहीं और अगर हम तुमसे बोलें कि भैया मस्किंग सी नॉट निकालो मस्किंग सी वन निकालो तो याद कर लोगे निकाल लोगे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ टाइम देंगे देखो जो चीज़ ज़रूरी वहाँ टाइम दिया जाता है जो चीज़ ज़रूरी उसको उड़ा दिया जाता है सब लोग बताओ ये निकाल लेंगे कि नहीं सी नॉट वन सी टू क्यों भाई इसको एकदम अच्छे से देखो सी नॉट वन सी टू कैसे निकलेगा हमारा ठीक है तो मान के चलने कि तुम लोग सी नॉट सी वन सी तो टू जो है आराम से निकाल लोगे राउटिंग टाइम कोई भी चूज़ कर सकते हैं नहीं राउटिंग टाइम हम वही चूज करेंगे जो अभी क्या बताया यहाँ क्या लिखा है स्टेप नंबर हम ऐसा चूज़ करेंगे कि राउटिंग इंटरवल टू के एक्स और के के बीच में रहे तो मस्किंगम मेथड से बढ़िया आंसर निकलेगा डे डिस्चार्ज का ठीक है <coughs> देखो ना हमने अपने क्वेश्चन के अंदर हम साथ साथ क्वेश्चन कराते जा रहे हैं हमने डेल्टा टी को तीन क्यों लिया क्योंकि के की वैल्यू छः है और टू के एक्स की वाली टू पॉइंट फोर है तो इसके बीच में एक नंबर लेना है तो बढ़िया आंसर आएंगे तीन घंटा तीन तीन घंटे बाद अगर तुम आउटफ्लो का ग्राफ बनाना शुरू वैल्यूज़ लिखते जाओगे तो वो अच्छा ग्राफ बनेगा अच्छी वैल्यूज़ मिलेंगी एक्चुअल जैसी मिलेंगी ठीक है आगे बढ़ें बताओ इतना इतना समझ में आ गया अच्छे से तो सर हमारे दो स्टेप क्लियर हो गए हमने मस्किंगम कोविशन भी निकाल लिए सी नॉट सी वन सी टू अब हमें क्या करना है यहाँ तक तो बताओ सबको क्लियर है ना भाई पहले डेल्टा टी देखो वैसे तुमको डेल्टा डलटा चूज़ नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में क्वेश्चन दे रहते हैं क्वेश्चन उनको दे देंगे डेल्टा टी ठीक है कि एक सब मिलेगा सी नॉट सीवन सी टू को चॉफ मॉमला याद कर लो और तीनों को प्लस करके बनाता है ये भी याद रखना है तीनों को प्लस करके बनाता है ये बहुत ज़रूरी है अब हमें आउटफ्लो निकालना है टाइम टू पे मतलब तीन घंटे बाद हमें निकालना है क्या आउटफ्लो होगा तो उसके हमें क्या चाहिए इनफ्लो वन इनफ्लो टू आउटफ्लो वन और तीनों कोफिशेंट चाहिए ये रख के ही हम निकाल पाएंगे कैसे करेंगे ये हम तुमको समझाने जा रहे हैं ठीक है तो राउटिंग टाइम क्या चूज़ करते हैं और उसको चूज करने का हम लोग मस्किन कोफिशन निकालते हैं ये हमने समझ लिया है अब बात करेंगे हम लोग कि i1, q1 और आ, i1, i2 और q1 कैसे चूज करेंगे ठीक है तो देखो यार इस ग्राफ में यहाँ ध्यान देंगे अभी हम इस इस इंटरवल फोकस करते हैं तो ये हमारा सर i1 हो गया ये हमारा i2 हो गया ध्यान देना ज़रा और जितना i1 है उतना ही हम q1 मान लेंगे नहीं समझे सर देखिए ये आपका i1 10, ये आपका I2 60 क्लियर है अब हम मान के चल रहे हैं कि आउटफ्लो का जो ग्राफ है वो शुरू इनफ्लो के बराबर ही होगा तो जहां पे इनफ्लो वन है आई वन का मतलब इनफ्लो एट टाइम वन जीरो घंटा टाइम वन ठीक है तो उसी पे हम एक काम करेंगे अगर ये टेन है तो ये भी टेन है मतलब इस ग्राफ को हम यहीं से शुरू करता हुआ मान रहे हैं समझ गए तो हमारे पास सर तीन वैल्यू आ गई ये आई वन ये आई टू मतलब इनफ्लो की वैल्यू टाइम वन पे टाइम टू पे देखो दो दो टाइम में हम करेंगे राउटिंग ठीक है दो दो टाइम इंटरवल हम लोग करेंगे टाइम एन टाइम टू हमारा Q1 कितना हो गया O1 कितना हो गया 10 अब हमको निकालनी है ये वैल्यू हमको निकालनी है वैल्यू तो कैसे निकालेंगे देखिए सर C0 I2 C1 I1 C2 O1 देखो C0 C1 C2 जिसकी वैल्यू पीछे हमने निकाल के दिखाई थी जीरो पॉइंट जीरो फोर सेवन जीरो पॉइंट फोर टू एट जीरो पॉइंट फाइव टू फोर ठीक है ये समझो I2 क्या है बताओ बताओ यहाँ पे I2 क्या है I2 कितना है सर सिक्सटी I1 I2 वन, ओ टू निकालना है टू निकालना इक्वेशन क्या है सर मेरी टू की इक्वेशन क्या है सर देखिए सी नॉट सी वन सी टू फिर उल्टा चलो आई टू आई वन और ओ वन प्लस कर दो तो सी नॉट सर आपने यहाँ पे निकाला था जीरो पॉइंट जीरो फोर सेवन यहाँ लिखा है जीरो पॉइंट जीरो फोर सेवन सी वन आपने निकाला था पॉइंट फोर टू एट पॉइंट फोर टू एट ठीक है लिखा है सब सब लिखा हुआ है चलिए सर तो एक काम करते हैं आप सुनो इन दोनों एक लाइन खींची हमने जीरो पॉइंट जीरो फोर सेवन इंटू सिक्सटी किया एक कर लो पूरा ज़रा जगह रहो एक पूरा कर लो जीरो पॉइंट जीरो फोर सेवन इंटू किया क्योंकि आई टू है तो आएगा टू पॉइंट एट टू देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखो देखो साथ चलो एकदम देखो साथ चलो हम भी कैल लेके देख लेते हैं एक बार ठीक है भाई आपका सी नॉट आई टू करना है जीरो पॉइंट जीरो फोर सेवन आई टू कितना है सिक्सटी तो हमने जीरो पॉइंट जीरो फोर सेवन को इंटू सिक्सटी करा तो टू पॉइंट अपना ये टू पॉइंट एट टू आ रहा सही है अब हम जीरो पॉइंट फोर टू एट को आई वन से करेंगे आई वन टेन है तो पॉइंट फोर टू एट को टेन से करो तो फोर पॉइंट टू एट हो जाएगा सही लिख रहे हैं क्यों भाई सही नहीं सही बताओ फिर अब हम यहाँ पे आगे लिखा है पॉइंट फाइव टू फोर इंटू ओ ओवन तो पॉइंट फाइव टू फोर ओवन कितना है टेन यह आपका ओवन है ये आपका आई वन है ये आपका आई टू है तो इसको जब हम टेन से इंटू करो तो ये फाइव पॉइंट टू फोर हो जाएगा अब इन तीनों को कर दो प्लस तीनों को प्लस करो देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका मतलब तीनों को प्लस करो फटाक से तीनों कर दो प्लस ठीक तीनों को जैसे मैंने प्लस प्लस करा आ गया कितना ट्वेल्व पॉइंट थ्री फोर इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर यहाँ टेन है तो यहाँ पे जो आपका डिस्चार्ज होगा तीन घंटे बाद थ्री घंटे की राउटिंग हम ले रहे हैं यहाँ पे तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा वो होगा सर ट्वेल्व पॉइंट थ्री फोर आप यहाँ पे एक बिंदी बना दीजिए और फिर इसको ऐसे जोड़ भी सकते हैं आप ठीक है यहाँ वैसे पूरा बना हुआ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो तुम मान के चलो यहाँ पे कोई ग्राफ आवास नहीं है नहीं है मान के चलो ठीक है तो हमें कितना मिल गया देखिए इनफ्लो की अगर आप बात करें तीन घंटे में तो इनफ्लो की वैल्यू साठ घंटे है लेकिन यही आप आउटफ्लो की बात करें तो तीन घंटे पे वैल्यू कितनी है ट्वेल्व पॉइंट थ्री फोर मस्किंगम के हिसाब से चैनल में जो हमारा चैनल था नदी जा रही थी उसमें सेक्शन वन और सेक्शन टू है सेक्शन वन पे शुरू में यहाँ पे दस है आउटफ्लो में दस है तीन घंटे बाद सेक्शन वन और सेक्शन टू की अगर बात करें तो यहाँ साठ है यहाँ ट्वेल्व है तो बताओ अगले निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए सर बिल्कुल निकल गया यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ हाँ ओवन की वैल्यू हाँ बेटा अमित समझ लो ओवन की वैल्यू हम लोग वही लेंगे देखो स्टार्टिंग जहाँ से इनफ्लो की हो रही वहीं से आउटफ्लो की होगी तो इनफ्लो वन टेन है तो आउटफ्लो वन भी टेन ही लेंगे इनफ्लो वन अगर टेन है तो आउटफ्लो वन भी टेन देखो ये कॉलम पूरा हमें अपने मन से बनाना है ये कॉलम पूरा अपने मन से बनाना है यहाँ तक हमको क्वेश्चन दिया गया था यहाँ से सब अपना मन का है ठीक हमने इसको और इसको बराबर माना क्योंकि हम ये मान रहे हैं जहाँ से इनफ्लो शुरू हो रहा है वहीं से आउटफ्लो भी शुरू होगा तो ये टेन है तो वो भी टेन है लेकिन हाँ बाद में वो वैल्यू वहाँ पे साठ है लेकिन अगली वैल्यू ट्वेल्व पॉइंट थ्री फोर हो गई तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा शुरुआत दोनों की सेम बेटा एटाथ शुरुआत दोनों की सेम मानेंगे नहीं मानना है तो जो क्वेश्चन हो देगा वो मानेंगे क्वेश्चन मान लो उसने बोल दिया था कि एकदम शुरुआत में आउटलो की वैल्यू मान लो जीरो है तो वो जो बोल देगा वो रख देंगे ठीक है लेकिन नहीं बोल रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों ग्राफ सेम जगह टेन टेन से शुरू हो रहे हैं वो भी टेन से शुरू हो रहा है ये वाइट वाला भी टेन से शुरू हो रहा है अब बताओ और पूछो डाउट यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताओ तो हमने तीन घंटे बाद का डिस्चार्ज क्या होगा निकाल लिया तीन घंटे बाद आउटलो डिस्चार्ज क्या होगा हमने निकाल लिया समझ गए कि नहीं समझे बताओ समझे कि नहीं समझे अब क्या करेंगे हमारा ये काम ख़त्म अब हम इसमें आ जाएंगे अब ये मेरा आई वन हो जाएगा ये मेरा आई टू हो जाएगा और क्योंकि हमने जस्ट अभी ये फाइंड किया है तो ये मेरा ओवन हो जाएगा और ये मुझे पता करना है वो ये मैं नहीं पता पता करेंगे आई वन अभी आगे शिफ्ट हो गए हम लोग सर यहाँ तक का तो आपको वैल्यू मिल गई है।, है अब आप आगे शिफ्ट हो जाइए अब आप क्या करिए इसको वन मान लीजिए इसको टू मान लीजिए ये वन अब तीन और छः के बीच में बात करिए ये आई वन ये आई टू ये ओ वन जो आपने अभी ओ निकाला है ओ टू करके उसको आप इनिशियल मान लीजिए अब उसको इनिशियल स्टेप बना दीजिए और फिर अगला निकाल दीजिए यही यहाँ पे हमने स्टेप में लिख भी रखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल कंडीशंस आई वन क्यू वन आई वन क्यू वन बराबर मानिए एंड नोन आई टू हमारा आई वन आई टू क्यू वन सब पता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट टाइम स्टेप एट द एंड ऑफ तीन घंटा आप कैलकुलेट करिए कि डिस्चार्ज आउटलेट पे क्या होगा आउटफ्लो पे क्या होगा ठीक है फ्रॉम इक्वेजन ए इक्वेजन ए मतलब ये इक्वेजन ठीक है उसके बाद जो आपने आउटफ्लो कैलकुलेट किया है अब उसको आप इनिशियल बना दीजिए जो आपने आउटफ्लो भी ट्वेल्व पॉइंट थ्री टू कैलकुलेट किया है बिकम्स द इनिशियल आउटफ्लो फॉर द नेक्स्ट टाइम स्टेप अब आप फिर आगे बढ़ेंगे लेकिन आप अगले कदम पे आके उसको नीचे बोलेंगे जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं हम लोग एक आगे बढ़े फिर उसको नीचे बनाया फिर अगले आगे चढ़े उसको नीचे बना दिया इस तरह और फिर अगला 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 निकालते जाते हैं ठीक है और रिपीट द कैलकुलेशन फॉर इंटायर इनफ्लो हाइड्रोग्राफ ये स्टेप आप बढ़ाते जाइए ठीक है और धीमे धीमे आपको आउटफ्लो का हाइड्रोग्राफ मिलता जाएगा समझ में आ रहा है क्यों भाई हाँ तीन घंटे डाउन नहीं अक्षय तीन घंटे बाद डाउन में नहीं इसका मतलब है समझो क्या मतलब है हम बता रहे हैं एक नदी थी नदी दिख रही हाँ सर ये सेक्शन वन है ये सेक्शन टू है ये अपस्ट्रीम है ये डाउनस्ट्रीम है यहाँ पे बाढ़ का पानी आना शुरू कर रहा है लेकिन जब यहाँ बाढ़ का पानी आया था अक्षय ध्यान सुनो ये बात टाइम अभी जीरो चल रहा है अभी बाढ़ का पानी पहुँचा नहीं है तो यहाँ पे जब बाढ़ का पानी नहीं आता जस्ट आना एकदम शुरू कर रहा है तो यहाँ पर डिस्चार्ज कितना था टेन और उसी समय यहाँ पे डिस्चार्ज कितना था टेन सेम सेम बाढ़ अभी आई नहीं है बाढ़ का पानी जब आया तो तीन घंटे बाद यहाँ पे जो डिस्चार्ज था बढ़ा यहाँ पे जो दस था वो दस पहुंच गया साठ पे दस पहुंच गया साठ पे और यहाँ पे सेक्शन टू पे तीन घंटे बाद क्या हुआ क्योंकि यहाँ पे साठ पहुंचा है दस से साठ हुआ है यहाँ पे दस से पहुंचा है ट्वेल्व पॉइंट थ्री फोर क्यों इतना गैप देखने को मिल रहा है तीन घंटे बाद यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिस्चार्ज की वाली वो लिखी हुई है यहाँ साठ यहाँ ट्वेल्व पॉइंट थ्री क्योंकि यहाँ से तीन घंटे में आते पहुँच में टाइम लगा लेकिन शुरुआत में जब जीरो जीरो टाइम था तो यहाँ भी दस्ता यहाँ भी दस्ता कोई बाढ़ आई नहीं है ठीक है जब बाढ़ आएगी तो तीन घंटे बाद यहाँ पे दस से साठ हो जाएगा और तीन घंटे बाद यहाँ पे दस से ट्वेल्व पॉइंट थ्री टू हो जाएगा जो हमने अपने फॉर्मूले से सोचा मस्किंगम के हिसाब से ठीक है ठीक है सर क्लियर है मामला ठीक है अक्षर बताओ बात समझ में आ गई ये पूरी यस लिख दो डाउट क्लियर हो जाए फिर हम लोग देखो जो चीज़ में टाइम देना चाहिए वहाँ देंगे भाई ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं तो हम लोग समय दे रहे हैं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं तो अभी आपने बोला सर अब आपका ये इनिशियल बन गया है ये आई वन है ये आई टू है और ये ओवन है अब ओ टू निकालना है तो देखो निकाल लेंगे क्या करना है सर सी नॉट आई टू जीरो पॉइंट जीरो फोर सेवन को आई टू मतलब एक सौ दस से इंटू करिए तो हमको फाइव पॉइंट वन सेवन मिला जैसा कि तुम लोग कमेंट बता भी रहे हो फिर हम C1 आई वन कितना है पॉइंट फोर टू एट को आई वन से इंटू करेंगे आई वन कितना सिक्सटी तो पॉइंट फोर टू एट को सिक्सटी से इंटू करो कर लो पॉइंट फोर टू एट को सिक्सटी से इंटू करोगे तो मिलेगा पच्चीस पॉइंट सिक्स एट पच्चीस पॉइंट सिक्स एट ठीक है पच्चीस पॉइंट सिक्स एट फिर पॉइंट फाइव टू फोर को O1 से करो ये हमारा O1 था पॉइंट फाइव टू फोर को ट्वेल्व पॉइंट थ्री फोर से इंटू करो तो मिलेगा सिक्स पॉइंट फोर सिक्स सिक्स और तीनों को ही जोड़ दो ये मस्कििंगा मिकविजन यही है तीनों को ऐड करके सी नोट आई टू सी वन आई वन प्लस सी टू वन को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें ये डिस्चार्ज मिल जाएगा मतलब छः घंटे बाद आपके इन मतलब जहाँ से सेक्शन में पानी एंटर कर रहा है वहाँ पे डिस्चार्ज 110 तो है और जो आउटफ्लो सेक्शन है वहाँ पे डिस्चार्ज 37.32 होगा तो वहाँ 110 तो लेकिन यहाँ 37.32 सेवन पॉइंट थ्री टू यहाँ पर सर हमने बिंदु बनाई और हम देखिए यहाँ पे ग्राफ जोड़ देंगे यहाँ तक पहुँच गए ऐसे धीमे धीमे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे धीमे धीमे करके आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे समझ में ही बात की नहीं आई तो अब हम यहां तक पहुंच गए अभी हमको ये सब पूरा निकालना है समझ लो कि नहीं समझ हो? बताओ यहाँ तक समझ में आया, अब बताओ कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन आप पूछो जो पूछना है अब क्लियर है अब क्या करेंगे बताओ छह घंटे तक काम हो गया अब हम नौ घंटे भी निकालेंगे सर छः घंटे का आउटफ्लो में मिल चुका है यहाँ तक मिल चुका है तो अब हम आ, नौ घंटे पे निकालेंगे तो ये हमारा आई वन ये हमारा आई टू और जो हमने जस्ट अभी निकाला ये हमारा O1 हो जाएगा और इसको फाइंड करना है हमें ऐसे आगे बढ़ेंगे ठीक है फिर से वही सी I2 आई टू सी तीन सौ तीस करेंगे सी वन इंटू एक सौ दस करेंगे आई टू आई वन है ना और फिर C2 टू इंटू करेंगे O1 अपना वही जो अभी निकाला था पिछली सी में पिछले स्टेप में वही हमारा O2 जो था वो हमारा O1 बन जाएगा ठीक है चलो बहुत बढ़िया ये अपने गौतम सर हैं क्या कमेंट बॉक्स के अंदर गुड इवनिंग सर नमस्कार अगर कमेंट बॉक्स में सर आप हैं तो कोई स्टूडेंट है तो भी यही संबोधन इस्तेमाल किया जा सकता है चलो क्लियर हो गया कि नहीं एकदम बढ़िया से ठीक है इस तरह से तुम लोग आगे बढ़ बढ़ के ये सारे पॉइंट बना लेंगे और सारे पॉइंट हम यहाँ प्लॉट करके अपने ग्राफ को कर देंगे कंप्लीट ठीक है तो अब उम्मीद करें कि तुमको आ, मस्किंगम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है मस्किंगम बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार हम तुमको बता देते हैं हमने करा कह दिया आज ठीक है एक बार हम तुमको बता देते हैं देखो फिर से हम पूरा बता दे रहे हैं तुमको अब दिमाग में चैप्टर सेट कर लो पहले हमने तुमको बताया कि फ्लड राउटिंग एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम डाउन में पता लगाना चाहते हैं सब कुछ कि आउटफ्लो जो सेक्शन टू है वहाँ का ग्राफ कैसे वेरी करेगा तो इसमें हमने तुमको बताया कि हमको सिर्फ हाइड्रोलॉजिक राउटिंग यूज़ करनी है जिसके अंदर हम सिर्फ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे मोमेंटम से कोई मतलब नहीं ये टफ पड़ती है थोड़ा एडवांस पार्ट है तो इसको इग्नोर मार रहे हैं हम लोग हम लोग सिर्फ हाइड्रोलॉजिक मेथड यूज़ करेंगे कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे अब हाइड्रोलॉजिक मेथड यूज़ कर सकते हैं दो जगह कंटिन्यूटी तो समझी गए हो दो जगह कहाँ कहाँ या तो रिजर्वर में या तो चैनल में रिजर्व में होते हैं ये तीन मेथड अब जैसे तुम देखो रिजर्वायर की अगर बात करें हम <coughs> तो वही सब इक्वेशन लिखी हुई हैं लेकिन देखो इनिशियल कंडीशन इधर कर जो हमें पता है और जो हमें नहीं पता है वो हम निकाल लेंगे इक्वेशन यूज़ करके मॉडिफाइड बुल में ऐसे ही गुडेज हम इसी कंटिन्यूटी इक्वेशन थोड़ा अरेंज अरेंज करके रखेंगे सेकेंड कंडीशन नहीं पता है तो उसको निकाल लेंगे ये भी इटरेटिव मेथड्स हैं जैसे भी उन्होंने मस्किंगम पढ़ा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इन्होंने नहीं पढ़ा है ठीक है फिर हमने स्टोरेज करेक्टिस्टिक्स देख ली रिजर्वायर की और उसके बाद हमने चैनल को समझा फिर चैनल में सर आपने हमको क्या बता दिया कि मस्किंगम भाई साहब हैं जिन्होंने स्टोरेज समझा दिया और स्टोरेज क्या तो उन्होंने ये जो अपना निकला था इसी को टाइम वन टाइम टू पर रखा निकाल के माइनस करके इस इक्वेजन और अपनी कंटिन्यूटी इक्विजन को सॉल्व करके उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी जिसको हम बोलते हैं मस्किंग और आउटिंग इक्वेजन जिसमें हमको इनफ्लो एट टाइम वन इनफ्लो एट टाइम टू और आउटफ्लो एट टाइम वन अगर पता है तो आउटफ्लो एट टाइम टू निकाल लेंगे और इसी प्रोसेस रिपीट कर करके हम अपने ग्राफ को बना देंगे लेकिन ये सब चैनल के लिए है रिजर्वर के लिए नहीं है ठीक है अब एग्जाम में जैसे तुमसे एग्जाम में इसका कुछ भी पार्ट पूछा सकता है कुछ भी आ सकता है तैयार है ना तुमसे एग्जाम में कोई भी कॉफिशेंट पूछ लेंगे जैसे एक क्वेश्चन ये गेट में आया हुआ है इसको देखेंगे सब लोग ठीक है अब इस क्वेश्चन में तुमको पूछ रहा है कि भैया C2 क्या होगा ठीक है C2 क्या होगा तो अब यहाँ पे सी नोट्स भी बन दिया इसमें कुछ करना नहीं है सी नोट्स की बन दिया तुमको ये रूल लगाना है कि भाई तुमको पता है तीनों मिला के वन होता है तो बताओ गेट में निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे <coughs> तीनों मिला के हमारा वन है तो निकाल लेंगे हम लोग ठीक है यस yes, लिखो जल्दी अब सी नोट वन दे दिया सी टू निकालना है तो तीनों मिला के हम लोग इक्वल टू वन कर लेंगे सी टू हमारा कितना हो जाएगा पॉइंट सेवन ठीक है इस तरह क्वेश्चन आ सकता है गेट में एकदम आराम से फिर देखो ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि लीनियर रिजर्वायर इज़ वन देखो लीनियर का मतलब पहले समझ लो तुमको अभी हमने दिखाया था यहाँ पर जब सर ये स्टोरेज में प्रिज्म और वेज आपके दोनों आ रहे हैं और एक्स की वैल्यू को जीरो कर दें ये जीरो हो जाए ये जीरो तो इनफ्लो का इफेक्ट खत्म हो गया जब स्टोरेज सिर्फ और सिर्फ आउटफ्लो का फंक्शन है लीनियर पावर पावर वन है है ना स्टोरेज सिर्फ आउटफ्लो का फंक्शन है इनफ्लो से कोई मतलब नहीं मतलब कुछ भी वेज जैसा नहीं है क्योंकि वेज में ही इनफ्लो आता है ठीक है तब तो इस हम इस चैनल को बोलेंगे कि सर ये मेरा चैनल रिजर्वर की तरह बिहेव कर रहा है तो रिजर्वर स्टोरेज का मतलब सिंपली यहाँ पे ये होगा कि जब आपका स्टोरेज सिर्फ और सिर्फ आउटफ्लो का फंक्शन हो तो उसको हम लीनर बोलेंगे तो यहाँ पे अगर देखो इज़ वन इन विच स्टोरेज वेरीज लीनरली विद आउटफ्लो रेट स्टोरेज वेरीज लीनरली विद आउटफ्लो रेट ठीक है वॉल्यूम वेरीज विद एलिवेशन नहीं स्टोरेज वेरीज विद टाइम नहीं स्टोरेज वेरीज विद इनफ्लो टाइम नहीं स्टोरेज इज प्रपोर्शनल टू आउटफ्लो रेट आउटफ्लो रेट बढ़ाएंगे तो स्टोरेज बढ़ेगा आउटफ्लो रेट घटाएंगे तो उस पर डिपेंड करेगा तब हम बोलते हैं लीनर रिजर ठीक है तो बस इतना ही है बाकी मस् किंगम के उनको और क्वेश्चन्स अपने अभ्यास में कल भी करा देंगे कुछ क्वेश्चन तो बढ़िया तरीके से हमारा काम चल जाएगा ठीक है तो बस चलो एंड करते हैं यहाँ पे अब अगर तुम्हारा तो कोई डाउट वोट है तो पूछ लो इन शॉर्ट आज के हम फ्लड चैप्टर हमने फ्लड और फ्लड आउटिंग में हमने पहले तो फ्लड समझा फ्लड के बहुत सारे मेथड्स देखे हमने ठीक है फिर से हम बता जरूरी क्या है इंपेरिकल फॉर्मूले में डिकन और रीव फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था रैशनल मेथड सीआईए जरूरी था और गंबल मेथड के अंदर वाई टी वाई एन एस एन कैसे हम डिस्चार्ज निकालते हैं वो ज़रूरी था फिर आपने फ्लड राउटिंग के अंदर बताया मस्किंग में पूरा फोकस डाल दिया एक तो रिजर्वायर के अंदर आपने स्टोरेज करेटरिस्टिक्स एटोनेशन लॉग लैग और स्टोरेज वो सब बताया मैक्सिमम स्टोरेज का होता है पीक पर हमारा ग्राफ आके मिलता है आउटफ्लो की पीक पे इनफ्लो आउटलो बराबर होते हैं इंटरसेक्शन होता है और आपने बताया सर कि आपका मस्किंग मेथड क्या है बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट चार पांच चीज़ें ठीक है तो फ्लड चैप्टर के अंदर हमने एस्टिमेशन समझा और फ्लड राउटिंग के अंदर आपने कंटिन्यूटी क्विजन के साथ साथ कंटिन्यूटी के साथ साथ रिजर्वायर और चैनल को समझा चैनल के अंदर मस्किंगम राउटिंग बहुत जरूरी है।, है।, है क्योंकि सिर्फ यूज करते हैं और चैनल राउटिंग मेथड है क्योंकि सिर्फ चैनल में लगा रहे हैं ठीक है यस बहुत बढ़िया ठीक है।, है।, है एक क्वेश्चन था अच्छा एक क्या था कि आप लखनऊ में कहां रहते हैं अच्छा लखनऊ में बेटा हम यहां पे रहते हैं इंदिरा नगर जानते हो अगर तुम तो तुम कहाँ रहते हो तो बताओ जरा हमको पहले कमेंट में हम तो यार रहते हैं क्या नाम है हाँ ये जितना हमने तुमको पढ़ा है ये सब इनाफ है एकदम ठीक है हम इंदिरा नगर में रहते हैं और यहाँ पे एक बालक पूछ रहे हैं कि ओवर हो गया अच्छा हाइड्रोलॉजी ओवर नहीं हुआ अभी ग्राउंड वाटर बचा हुआ है ठीक है हाइड्रोलॉजी में तुमने आठ चैप्टर खत्म कर लिए हैं पहले तो इंट्रोडक्शन वाटर बजट वाटर साइकिल वाला फिर प्रेसिपिटेशन फिर फिर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन फिर रन ऑफ पाँच तुम्हारा स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट फिर तुम्हारा हाइड्रोग्राफ फिर फ्लड फ्लड राउटिंग नवा चैप्टर है ग्राउंड वाटर वो नहीं पढ़ा है तो उसकी वीडियो में मैं रिकॉर्ड करके यहाँ पे डलवा देंगे ताकि इसी प्लेस के अंदर तुमको तो पूरा फ़ायदा मिल जाए ठीक है तो वो चिंता ना करो उसको हम जल्दी डलवा देंगे क्योंकि एक्चुअली मारिया मंडे से हम लोग बी शुरू करने वाले हैं ना तो मंडे से बी एम सी शुरू करेंगे उसको हम चले देंगे लेकिन एक वाटर वीडियो एक घंटे की हम डलवा देंगे जिससे हमारे सारे क्वेश्चन अपने बढ़िया से बन जाएंगे ठीक है और ग्राउंड का क्वेश्चन अभ्यास एच में हम कल तुमको करवा भी देंगे ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी हो जाए ठीक है अच्छा खदरा चौक के पास बहुत बढ़िया चलो बढ़िया है ठीक है एंड करें और कोई सवाल जवाब कहीं कोई दिक्कत परेशानी ग्राउंड वाटर इंपॉर्टेंट है हाँ इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा नहीं है एक आध देखो ग्राउंड वाटर जितना इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें तुम जियोटेक में पढ़ लोगे जियोटेक में जनली परिटी जो चैप्टर आता है ना तो उस परोविलिटी के अंदर कुछ फॉमलेस होते हैं वो हम लोग को याद करने हैं तो वहाँ पर अगर हमको लगता है तो तुमने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी हम तुम्हें तो बता देंगे ठीक है चलो भाई इसके बाद सब बढ़िया तो उम्मीद कर रहे हैं कि तुम्हारा जो है सब कुछ यहाँ पर मामला समझ में आ गया है तो इसी के साथ सेशन करते हैं समाप्त और ग्राउंड ऑर्डर की वीडियो भी हम पढ़वा देंगे और अभी तुमको हमें एक कंबाइंड पी भी दे देंगे ठीक है इसका मिला के पूरा कंबाइंड पी तुमको बना के हम अपने टेलीग्राम चैनल पर और सब जगह डलवा देंगे ठीक है बाकी तुम लोग टी पी पी और आ, क्या नाम है अपना ये नोट्स बढ़िया से रिवाइज़ करते रहो ठीक है ऐप में देखो जाया करो जो बच्चे नए भी हैं मान लो बाद में वीडियो देखेंगे उनके लिए बता दे रहे हैं एक बार ऐप में सिंपल पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से उसके अंदर तुम गेट चूज़ करो सिविल चूज़ करो नंबर डालो लॉग करो बढ़िया से और वहाँ पर तुम जाओ फ्री क्रैश कोर्स जो है क्लिक करो वहाँ पे तुमको तीन चीज़ें मिलेंगी वीडियो जो हम लोग पढ़ा रहे हैं दूसरा ये जो पीछे लिख के आ रहा है सब थैंक यू के साथ मिलेगा एकदम और तीसरा मिलेगा डी पी पी डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसको लगाओ ठीक है चलो भाई एंड करते हैं और इसी तरह से बढ़िया से हम लोग पढ़ते रहेंगे गेटो पीडिया बाई बेटा गेटो पीडिया फ्री पड़ी है बाय करने की बात कर रहे हो तुम फिर ऐप में है बेटा ऐप में अभी तुम लोग पता पता नहीं चल पाया है गेटो पीडिया एक हैंडबुक टाइप की बुक है जिसको तुम ऐप से डाउनलोड कर सकते हो ऐप में तुम्हारा ये सारा चीज़ें भी हैं और गेटोपीडिया भी है ठीक है गेटोपीडिया में मतलब सिंपल एक हैंडबुक है जिसको हम डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो उसमें तुम्हें सारे शॉर्ट फार्मुलेज और सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे जल्दी जल्दी तो वो तुम बढ़िया से रिवाइज कर सकते हो ठीक है ठीक चलो और कोई डाउट नहीं आ रहा है ठीक है एंड करते हैं सेशन को बढ़िया से ख्याल रखो खुश रहो मिलते हैं हम लोग अब आज सैटरडे है तो मंडे को मिलेंगे लाइव मंडे को लाइव मिलेंगे बिल्डिंग मटेरियल के साथ बाकी ग्राउंड वाटर की हम रिकॉर्डेड वीडियो पढ़वा के नहीं कल भी हम लोग दो से पाँच लाइव रहेंगे ठीक है कल भी दो से पाँच हम लोग का लाइव रहेगा जिसमें हम लोग हाइडोलॉजी के फ्लड राउटिंग और राउंडर क्वेश्चन करेंगे और बी क्वेश्चंस देखेंगे ठीक है चलो एंड करते हैं ख्याल रखो खुश रहो और बढ़िया से ऐसे ही पढ़ते रहो बाकी कोई दिक्कत दिक्कत है बताना बाकी सभी लोग हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल हमारा है चेतन सर सिंपली चेतन सर ऑफिशियल सर्च करोगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा वहाँ पर जुड़ जाओ वहाँ पे हम कंबाइंड पी वगैरह तुम वगैरह को भेज देंगे ठीक है चलो भाई ख्याल रखो जितने बालक लोग जुड़े हुए हैं संदीप अशोक केजरीवाल शंकर अमित मनीष सिद्धार्थ भाविक हमको तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम तुम लोग को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं हमको तो ऐसा लग रहा है कि सब जुड़े हुए हैं एकदम ठीक है तुम लोग वैसे जुड़े रहा करो है ना चलो ठीक है एंड करते हैं ख्याल रखो है ना टेक केयर एवरीवन